हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेल, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु में। और दोस्तों, आज की मैराथन हो गई है स्टार्ट, तो जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। कल को है आपका एग्जाम टीजीटी का और आज करेंगे हम टीजीटी का फुल टूज रिविजन, जहाँ पर हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे। सारे मतलब इन द सेंस कि आपके चैप्टर्स का रिविजन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बता दूंगी कि बचा हुआ टाइम जो कुछ चंद घंटों का टाइम आपके पास है कि उसमें हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे एग्जाम की हो जाए तैयारी। आपको फिलहाल क्या करना है, मैराथन को ज्वाइन करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और जल्दी जल्दी जो जो क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछे जाए उन आंसर्स को देना है, कुछ जरूरी चीजों को यहां पर समझना है ताकि कल के एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे पाए। तो जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। हेलो तविजा गुप्ता जी, सोनिया जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून तविजा जी, गुड आफ्टरनून विकास जी, विकास कुंज बिहारी जी, विकेश कुंज बिहारी, सॉरी, यस बिल्कुल, मैंने प्लीज स्टार्ट कर दी है। हेलो बैरागी जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी जल्दी से खींच लाइए क्योंकि आज की मैराथन चलेगी बहुत लंबी। यस, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने कोशिश की है, जितने भी मैंने चैप्टर्स पहले कराए हैं, आज मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि आपके पास क्या है, अभी जो दिन बचा है वो इसलिए ताकि आप कल के लिए अपने हिसाब से आप तैयारी कर सकें। यहाँ पर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आज के दिन सारी स्टोरी को एक बार सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ जाना, क्योंकि उस समरी से क्या होगा, आपके माइंड में रहेगा कि हाँ भाई, इस पर्सन का ये नाम है, इस पर्सन का ये नाम है। और ऑथर्स में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऑथर्स के बारे में पढ़ना बस। हाँ, जिस चैप्टर का जो ऑथर है उसे एक बार रूबरू जरूर कर लेना, उसे एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि आपके माइंड में ना वो चीज़ सेट हो जाएगी कि हाँ, अगर ये पूछा गया तो हम क्या बताएंगे। तो कई सारे ऐसे हैं जो मैं साथ साथ लिख दूंगी ताकि आपको वो याद भी हो जाएंगे। और अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हुए चलो कि भाई, इस चैप्टर को इसने पढ़ाया है, तो वहां पर आपको खुद ही ट्रिक अपने हिसाब से मेंटेन हो जाएंगी कि हमको किस तरह से लर्न करना है। ऐसी मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको यहां पर बताने वाली हूं। तो चलिए जल्दी से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं ताकि आपके एग्जाम की कल के लिए हो सके एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन। चलिए, तो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। यस तविजा जी, सोनिया जी, बैरागी जी, विकेश जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि कल आपका एग्जाम है तो आज आपको कैसा फील हो रहा है। मैं बिल्कुल मीडिया वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ आपसे कि आपको कैसा लग रहा है, कि मतलब एक कॉन्फिडेंस है या नहीं कि हाँ, हमें एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। जिस जिसने क्लासेस को प्रीवियसली पढ़ा है, जो जो मैंने क्लासेस में पढ़ाया है, अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, वहीं से आएंगे। ज़्यादा कुछ डिटेल में अब जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है ना, उसी को आपको क्या करना है, अपने माइंड में कंटिन्यू रखना है कि वहां से वो डिलीट ना हो जाए। यस, तो चलिए जल्दी से, नर्वस बिल्कुल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आज की मैराथन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप नर्वस फील करते हैं कि अच्छा फील करते हैं। हार्ट अटैक हो रहा है आज बहुत। तविजा जी, आपको तो वैसे भी अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं सच बताऊं तो मैं रोज़ गॉड से प्रे कर रही हूँ कि आपका बस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए, फिर जो पॉइंट है वो भी सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नर्वस बट कॉन्फिडेंट, क्या बात है बैरागी जी। हाँ हाँ, ये चीज़ है। इस वक्त वैसे भी सिचुएशन ऐसी है कि आपको मोबाइल को भी कम देखना चाहिए, लेकिन देखिए एक काम कीजिए कि आप या तो लैपटॉप का यूज़ कीजिए जो आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे। अगर आप लैपटॉप कीबोर्ड इसका यूज़ करते हैं तो आप ठीक से कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, सिचुएशन देखिए, मैंने कहा था ना कि ये जो पॉइंट है, ये जो आपकी लाइफ का एक नया ट्विस्ट आने वाला है, जो एक नया मोड़ आने वाला है, ये आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगा। तो डोंट वरी एट ऑल, अपना एग्ज़ाम बस जितना देखो, आप जितना दे सकते हो अपना बेस्ट उतना दो, लेकिन कोई भी बर्डन अपने ऊपर मत डालो। बर्डन और टेंशन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो भैया, सबसे पहले हेल्थ है, अपने फैमिली है, उसके बाद एग्ज़ाम है। अभी प्रायोरिटी आपके लिए जो है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। प्रायोरिटी आपका एग्ज़ाम भी है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन साथ साथ अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ओके, एंड चलिए तो हम सेशन को बिगिन करते हैं। और
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सोनिया जी चलिए हम सेशन को अब बिगिन कर देते हैं, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन के आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने अभी तक रिजल्ट गुरु की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो वो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब मिलने वाली है, डेली गजट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज, तो पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। तो जल्दी से आपको बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Yes. जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। He loved to watch TV. इसके मैं ले लेती हूँ ये वाला पेन आज, ठीक है। He loved to watch TV. He enjoyed parties. He hated homework. He was lazy. तो जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Yes, सोनिया जी, क्योंकि वो क्या करता था, He hated homework. क्योंकि उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आप जानते हैं कि पैट्रिक एक बच्चा है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसको एक एल्फ मिल जाता है जिससे ये अपना सारा होमवर्क कराता है। आफ्टर ऑल करता खुद ही है ना। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, वो जाएगा सी हो जाएगा। यस तविजा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बैरागी जी, सोनिया जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, मुबारक हो। जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इग्नोरेमस इज अ पर्सन हु, अब ये वर्ड थोड़ा सा ग्रामर से रिलेटेड है तो ये भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। तो इग्नोरेमस क्या होगा। गुड मॉर्निंग नवदीप जी, कैसे हैं आप। आरती जी गुड मॉर्निंग, आरशी ओके, अर्शी जी तो अर्शी जी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इज पॉपुलर लेक्स एजुकेशन नोज लिटरेचर या इज एरोगेंट, जल्दी से बताइए कि इसका मीनिंग क्या होगा। ओके, आप फर्स्ट टाइम हियर है तो कोई बात नहीं, आप हमेशा के लिए आ जाएंगे, लेकिन अब तो कल को एग्जाम ही है। तो खैर, आज आपको क्या करना है, अपने टीजीटी के एग्जाम की तैयारी करनी है, और देखिएगा कि आपकी टीजीटी की बेस्ट प्रिपरेशन होगी। अर्शी जी आ जाओ, क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो बच्चा जिन जिन का टीजीटी का एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी की आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी आपकी। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपको पूरी मैराथन के बाद अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैम, ये तो हमको अच्छे से आते हैं। Yes, तो नवदीप जी का आंसर है बिल्कुल ठीक, लेक्स एजुकेशन बी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेसिकली इग्नोरमस अगर हम देखें तो इग्नोर का मतलब क्या होता है, जो पर्सन जो व्यक्ति किसी चीज़ को अवॉइड करता हो, और ये अवॉइड किसको करता है, एजुकेशन को, है ना। तो जिसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज हो, लैक ऑफ एजुकेशन हो, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्या बात है, बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत क्विक रिविजन हम करेंगे सारे क्वेश्चन का। यस मैम, योर टीचिंग इज रियली इफेक्टिव एंड आई हैव सीन योर प्रीवियस मैराथन। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच अर्शी जी। तो चलिए देखिए, जितनी भी मैराथन मैंने अभी तक कराई है ना टीजीटी के ऊपर, वो जितनी भी क्लासेस मैंने कराई है, अगर आपने उनको अच्छे से सुना है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप खुद कॉन्फिडेंस, यहां पर आप कॉन्फिडेंस इसलिए खो रहे हैं कभी कभी ज्यादा आ जाने से ना, जब हमको ये लगता है बस एग्जाम की एक्साइटमेंट होती है, तो उस एक्साइटमेंट को भी एक नर्वसनेस ही बोला जाता है। अच्छा, रेजोल्यूशन खराब हो रहा है बीच बीच में, चलो ठीक है मैं उसे ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पर ठीक कर देते हैं हम इसको, डोंट वरी, अब सब ठीक होगा। अगर कुछ भी खराब होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं उसको ठीक करा दूंगी। चलो अब जल्दी से बताओ भाई, व्हेन द कैट वॉज प्लेइंग विद द डॉल पैट्रिक पिक्ड इट हार्ड, When the cat was playing with the doll, Patrick, अब Patrick क्या करता है, picked it hard, grabbed the doll away, started shouting, gave her milk. तो Patrick क्या करता है, जल्दी से बताइए। Yes. Yes, बिल्कुल ठीक, B is the correct answer, grabbed the doll away, वो grab कर देता है, doll को दूर कर देता है, तो B हमारा correct answer हो जाएगा। ऐसे करके वो दूर पीछे से जल्दी से उठा लेता है। Yes, नवदीप जी जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। बिल्कुल ठीक आंसर, बिल्कुल ठीक, अर्शी जी, नवदीप जी, तविजा जी, सोनिया जी, सबका करेक्ट आंसर है, क्या बात है। जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ शोज हिज इमोशंस, अब ये क्या शो करता है, उसके इमोशंस ऑफ एंगर, फियर, लव, हेट्रेड, बताओ भी जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए सब करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, आज आपका घर जाकर होमवर्क क्या होगा, मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ कुछ के कल के लिए। जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर के जो जो कैरेक्टर्स हैं, उनको एक बार आप पढ़ लेना कि इस ये कैरेक्टर कौन से वाले चैप्टर में है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, आपको मिल जाएंगे वैसे क्वेश्चन भी। चलो मैं अभी आपको बताती हूँ, वेल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका एंगर, ठीक है, कि वो क्या शो करता है, एंगर को शो करता है, लाइक अ डिश क्लॉथ, तो क्या होता है, शोज ऑफ एंगर, तो एंगर का एक, तो जो लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ, तो वो उसका किस तरह का इमोशन दिखाता है, एंगर का, गुस्से वाला, है ना। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस बिल्कुल, एंगर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फियर नहीं होगा इसका, एंगर करेक्ट आंसर होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इस चैप्टर के ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड, मुंशी प्रेमचंद, गेविन मैक्सवेल या एनी कैरोल मूर? बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। यस कम ऑन टेल मी फास्ट कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, यस इसकी जो चैप्टर की जो ऑथर है वो कौन है? एनी कैरोल मूर है। तो अच्छा देखो, यहां पर कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे अगर आप कभी भी ये देखोगे कि क्या चैप्टर का नेम है या ऑथर कौन है, तो वो हो सकता है सिर्फ आपको दे दे कैरोल मूर, हो सकता है आपको ये दे दे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनके नाम में देखो थ्री वर्ड्स हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनी मूर का फुल नेम क्या है या एनी कैरोल या कैरोल मूर का फुल नेम क्या है। तो ये कंप्लीट नेम आपको पता चाहिए, एनी कैरोल मूर, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब देखो आपको क्वेश्चंस किस किस तरह से लर्न करने हैं। एक तो सारे ही चैप्टर के कैरेक्टर्स, कि सारे चैप्टर में जितने कैरेक्टर्स हैं आपको वो पता होने चाहिए। इनमें से कौन प्रोटैगनिस्ट है, तो प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जो लीडिंग कैरेक्टर होता है, तो इस चैप्टर का लीडिंग कैरेक्टर कौन है? पैट्रिक है, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन एक फिक्शन है, एक चैप्टर या तो फिक्शन है या तो नॉन फिक्शन है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ऑटोबायोग्राफी, अभी वो भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको जो सबसे पहले याद रखना है, एक तो चैप्टर का ऑथर या जो पोएट है पोएम का, और साथ में कि ये जो चैप्टर में कैरेक्टर्स, आपको हर एक चैप्टर के कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि ये कैरेक्टर कौन से वाले चैप्टर में से है। तो इसलिए कैरेक्टर्स को जरूर लर्न करते हुए चलिएगा। तो इसमें कौन कौन कैरेक्टर है? पैट्रिक कैरेक्टर है, एल्फ कैरेक्टर है, कैट कैरेक्टर है, और जो मतलब ये तीनों हमारे क्या हैं, इसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और होमवर्क की यहाँ पर बात की गई है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एल्फ ग्रांटेड अ विश टू शो इट्स पावर टू कीप हिज प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ फॉर हिज प्रोटेक्शन टू मेक हिम रिच अगेंस्ट द कैट। तो जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, आप नहीं करोगे, आपका पेपर हो गया। आपका पेपर कैसा था मैम? कैसा, किस तरह का पेपर आया, किस तरह के क्वेश्चन आए थे? मैं ये सिर्फ उनके लिए जो इंग्लिश वाला पेपर है, हाँ आप आंसर जरूर दे सकते हैं, वो बात अलग है। बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, अच्छा आज तो कुछ लोगों का सोशल साइंस और एसएसटी का भी पेपर था। यस, तो टू कीप हिज इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने बिल्ली से उसकी जान बचाई थी, तो उस प्रोटेक्शन के बदले में उसने ऐसा किया, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रांटेड अ विश इसलिए दी, यस। तो ए नहीं होगा, ए नहीं है इसका बैरागी जी आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने उसकी प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा की थी बिल्ली के अगेंस्ट, इसलिए यस। तो बी करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्फ वॉज हेल्पलेस एंड नीडेड। अब क्या चाहिए था उसे? रेस्ट चाहिए था, एजुकेशनल हेल्प चाहिए थी, प्रैक्टिस बिफोर वर्किंग, या फिर मनी? बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा इसमें, बताओ। यस yes. अच्छा, एचटेट वाला उसका एनवी एचटीएट वाला था आपका, हाँ जो एचटेट और एचटीजीडी वाला था उसमें भी यही था, मैंने आपको कराया भी था, आपको याद होगा शायद। तो मैंने एचटीजीडी वाली जब वो मैराथन ली थी, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आए, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ये yes, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। यस yes, उसको कैसी हेल्प चाहिए थी? एजुकेशनल हेल्प चाहिए थी, इसलिए वो हेल्पलेस था और नीडेड था, है ना। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैट्रिक उसे उसका होमवर्क करने के लिए बोल देता है, तो भैया एजुकेशनल हेल्प तो उसको चाहिए होगी, है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन विच वे द डॉग्स लिव्ड, अब डॉग्स किस तरह से रहा करते थे? तो आपको याद होगा कि डॉक्टर डॉग को एक मास्टर चाहिए था अपने लिए, है ना। तो अब इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। यस बैरागी जी, अर्षी जी, तविजा जी, सोनिया जी, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। In a cage, in freedom, both, या none of these? Dogs किस तरह से रहा करते थे? जल्दी से बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा।
यस, वो बिल्कुल खुले आजाद रहा करते थे, तो इन फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम फ्रीली वो रहा करते थे, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुल्फ की तरह वो बेसिकली रहा करते थे. यस, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, व्हाट डिड डॉग आस्क वुल्फ. अब वो डॉग जो है वो वुल्फ से क्या पूछता है, वुड यू लाइक टू लिव विद मी, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, वुड यू लाइक टू बी माई सर्वेंट, वुड यू लाइक टू शेयर सम फूड विद मी. क्या पूछता है एक डॉग वुल्फ से. अब देखो, डॉग को एक मास्टर चाहिए. यस, सभी का ए और बी. नहीं भैया, मैंने क्वेश्चन खुद से इस तरह से सेट नहीं किए हैं. जल्दी से बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. यस, ओके, यस. देखो वहां पर डॉग सबसे पूछता फिर रहा था कभी मेरा मास्टर और कौन बनेगा, तो वो वुल्फ से भी वही क्वेश्चन पूछता है सेम, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, क्या आप मुझे अपना गुलाम बनाओगे. तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुड यू बी माई मास्टर, है ना, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है बच्चे, द डॉग सर्व द लाइन डैश फॉर अ शॉर्ट टाइम, हाफ हार्टेडली, फॉर एवर, फॉर अ लॉन्ग टाइम. बताओ भी करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. अब देखो, चला तो वो लॉन्ग लाइन के पास से भी चला जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अच्छा, एक बार ये भी बता दो साथ में कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है. हाँ जी, सब जने ये भी बताएंगे साथ में कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है. यस, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड सोनिया जी, वेरी गुड बैरागी जी, वेरी गुड तविजा जी. यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यस, फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसने लॉन्ग टाइम के लिए सर्व किया था लायन को, लेकिन फिर तो उसने देखा कि शेर भी आदमी के आगे कांप गया. हालांकि ऐसा उल्टा भी होता है, आदमी कभी कभी कांप जाता है शेर से, लेकिन कोई बात नहीं, जो जानवर है वो शेर से ऑब्वियसली इंसान से डरता है, इंसान सबसे बड़ा जानवर माना जाता है. तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए. विच एनिमल इज द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, ये तो हमेशा से दुनिया जानती है कि जो इसका आंसर होगा, बताओ जल्दी से. यस, बिल्कुल, राइटर भी बताया जाएगा, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा. जल्दी बताओ भाई. यस, तो डॉग को माना जाता है, डॉग इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए, अभी अगर हम इसके ऑथर की बात करें कि इस स्टोरी का ऑथर कौन है, बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी इसका ऑथर गिवन नहीं है. तो जनरली इसके राइटर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप खुद एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो इसके ऑथर के बारे में कोई जिक्र नहीं है. ठीक है, तो इसका बेसिकली ऑथर का कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो इसका ऑथर नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी. अब जल्दी से मुझे बताओ, हु इज द ऑथर ऑफ तारोज रिवॉर्ड, तारो रिवॉर्ड का ऑथर कौन है, जो तारोज रिवॉर्ड एक स्टोरी है उनके ऑथर कौन है, बताओ भाई. अभी आपको हर तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, नीड नॉट वरी. यस, अर्शिनिदा जी, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, और जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करते चलिए, जल्दी से बताना है कि ऑथर कौन है. नो ऑथर फाउंड, बिल्कुल ठीक. अब जल्दी से इसका बताओ कि इसका क्या होगा, Who is the author of Taro's Reward? Taro's Reward का आंसर कौन होगा? जाकिर हुसैन, अनंता खान, अनीस जुंग, AKA अब्बास. बताओ भाई. Taro's Reward के जो ऑथर हैं वो हैं अनंता खान, है ना, अनंता खान. किसके? Taro's Reward के. Taro's Reward के, तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, ता, है ना, तो लास्ट में अनंता में क्या रहता है, तो ता ही क्या है, तारोज रिवॉर्ड. इसी से क्या स्टार्ट होता है, तारोज रिवॉर्ड. तो तारोज रिवॉर्ड के जो ऑथर हैं वो कौन है, अनंता. यस, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका
बी, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी बारे में तारोज रिवॉर्ड जिसमें वो सेक लेकर आता है अपने पापा के लिए। द बियर रैन हेस्टिली हेस्टिली डीपर इन टू द, जो बियर है वो कहाँ पर भाग जाता है, गार्डन में, पार्क में, फॉरेस्ट में, होम में, बताओ अभी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नवदीप जी कहीं जाइए मत, क्लास में आंसर दीजिए, डोंट गो एनीवेयर, बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सबको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ओके Yes, जो बियर है वो कहाँ भाग गया था, फॉरेस्ट के अंदर भाग गया था, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीपर इन टू द फॉरेस्ट। तारो वॉज अ वुड कटर, तो तारो क्या है, एक वुड कटर है, कैसा वुड कटर है, स्मॉल वुड कटर है, यंग वुड कटर है, टाइनी वुड कटर है, ओल्ड वुड कटर है, बताओ भाई तारो कैसा वुड कटर था, मतलब तारो एक तरह से यहाँ पर एज पूछने जा रहे हैं वो कि तारो की एज लगभग क्या है, बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। आज मेरी भी एनर्जी हो सकता है आपको डाउन लग रही हो, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ा फीवर था, बट मेरी ऑलरेडी दो मैराथन भी लगी हुई थी, तो सुबह से मैराथन लेते हुए टाइम हो गया, मे बी पॉसिबल कि हो सकता है कि मेरी एनर्जी, पॉसिबल क्या है ही, एनर्जी थोड़ी सी डाउन आपको लगेगी, है ना, तो ये वजह हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे कि एनर्जी में कोई कमी वैसे ना आए। यस बिल्कुल ठीक, वो एक यंग वुड कटर है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो तारोज रिवॉर्ड में भी आपको एक तो स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, आपको अच्छे से पता है, मैंने क्लास में बताई हुई भी है, इनफैक्ट आपको अच्छे से स्टोरी पता है, कैरेक्टर्स का पता होना ज़रूरी है। रही बात ऑथर को, मैंने आपको बताया जनरली अनंता खान के बारे में एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर देखिए क्वेश्चन में चाहे वो आपका एच टेट की भी बात हो, तो वहाँ पर भी कहीं ये नहीं पूछा गया कि इनको कौन सा अवार्ड मिला, इनको कौन सा अवार्ड मिला, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, मैंने कुछ ऑथर्स के बारे में लिखा है जो इम्पॉर्टेंट ऑथर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जो नॉवलिस्ट भी रहे हैं जिन्होंने और भी चीज़ें लिखी हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है, वो मैं साथ साथ देती भी चलूँगी, तो नीड नॉट वरी, ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है बस वो पढ़िए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो आप अच्छे से करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, जैसे अभी हमने डॉग वाला पढ़ा, और एक और कहानी है आपने देखा होगा हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, तो इस तरह की जो पोएम और स्टोरीज हैं, इस तरह की जो स्टोरीज हैं, यस बिल्कुल मैराथन के बाद पक्का रेस्ट करूंगी, लेकिन पहले मैराथन लेनी जरूरी है, यस क्योंकि आपका एग्जाम है, तो मैं चाहती नहीं कि आपका एग्जाम जरा सा भी खराब हो, मैं चाहती हूँ कि आपका एग्जाम बेस्ट हो, बेस्ट तैयारी करें, और फिर आकर अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ही वॉज सैड बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू अमेरिका टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स टू स्टडी इन ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी टू अर्न मोर, तो तारो अब सोचो इतने ईजी अगर ऑप्शन आ गए तो सभी इसका आंसर दे पाएंगे, ये आपका प्रीवियस ईयर में से लिया गया ही क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। यस शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी, ताकि और भी बच्चे आ जाएं, वो वंचित ना रह जाए इससे। यस बिल्कुल, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को एक बेटर लाइफ देना चाहता था, बट वो इतने रिच नहीं है, दैट इज व्हाई ही इज अपसेट, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सोनिया जी, तविजा जी, अर्षी जी, नवदीप जी, बैरागी जी, करेक्ट आंसर आपका बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तारोज फादर विश्ड फॉर अप, तारोज के फादर ने कौन सी विश थी उनकी, कप ऑफ सेक, ग्लास ऑफ मिल्क, जग ऑफ वाटर, कप ऑफ कॉफी, क्या पीना चाहते थे वो, जल्दी से बताइए बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। यस बिल्कुल ठीक, वो पीना चाहते थे कप ऑफ सेक, है ना, तो कप ऑफ सेक अमृत का एक प्याला पीना चाहते थे वो, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूस पीना चाहते थे वो भैया, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्षी जी बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो ही वॉज थर्स्टी ही क्लाइम्ड द स्टेयर्स ही कंटिन्यूड हिज जर्नी ही वेंट ऑन चॉपिंग द वुड या ही कैप्ट ऑन कटिंग, अब जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस ए सेक बिल्कुल ठीक आंसर, अब 17th का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
बताइए जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। स्टडी टाइम, ये वही नोएडा वाले हैं क्या? शीतल जी नाम है शायद आपका, क्या नाम है मुझे एक बार याद दिला देना। यस, देखो क्योंकि वो इसके बाद भी वो क्या करता रहा, कटिंग मतलब ट्री को वो कट करता रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भले ही वो बहुत ज्यादा प्यासा था लेकिन फिर भी वो ऐसा करता रहा। यस, डी करेक्ट आंसर। राइटर्स बिल्कुल मैं आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ। मैंने तारोज रिवॉर्ड का भी आपको बताया कि अनंता खान इनके क्या हैं, राइटर हैं। अनंत स्टडी टाइम पूरा आप देखिए, आपको पता लग जाएगा। मैंने सबके मैं राइटर्स आपको साथ में बताती भी चल रही हूँ। ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ड अ साउंड, स्टॉप टू चॉप द वुड, फेल डाउन या गॉट स्केर्ड। देखो इसमें ना जो ये वाला है आपका 17th वाला, ही वेंट ऑन चॉपिंग द वुड और ये ही कैप्ट ऑन कटिंग, तो इन दोनों में आप डाउट मत कर जाना क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस वक्त पेड़ को काट रहा था। दैट इज वाई हमने इसका इस चीज को आंसर लिया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताओ कि सडन, ऑल ऑफ अ सडन ही डैश, तो हर्ड साउंड। वैसे इसमें एक चीज है, जब इस ऑप्शन में आपने ये देखा ना, तो इसमें जो आंसर है, क्योंकि वो चॉप कर रहा था वुड को, तो हम इसमें कैप्ट ऑन कटिंग की जगह ये वाला आंसर ले सकते हैं इसमें, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यही पूछा गया है, तो आप इसमें कैप्ट ऑन कटिंग ना लिखकर इसको आंसर लिख दीजिए, सी को आंसर लीजिए। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। हम इसमें सी आंसर ले लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में इसी को वहां पर फ्रेम किया गया, तो सी हम यहाँ पर करेक्ट आंसर लेंगे। यस, अब ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ड अ वॉइस, स्टॉप टू चॉप द वुड, फेल डाउन, गॉट स्कैर्ड। बिल्कुल, उसने अचानक से एक आवाज सुनी। किसकी आवाज थी वो? एक वॉटरफॉल की आवाज थी, है ना, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड रस्किन बॉन्ड गेट साहित्य एकेडमी अवार्ड। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात करें जो रस्किन बॉन्ड है, क्योंकि जो रस्किन बॉन्ड है उन्होंने बहुत सारी पोएम्स हैं, जैसे बैनियन ट्री है, और उसके बाद उनके पास एक और चैप्टर है जो इसमें उन्होंने लिखा है टीजीटी पीजीटी में, तो रस्किन बॉन्ड अपने आप में एक बहुत ही आमनेंट राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है, तो उनके बारे में क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक ऐसे राइटर हैं जिनको अवार्ड मिले हैं, कौन से, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है और भी तरह के अवार्ड मिले हैं, तो जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, कि उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला था, बताओ। साहित्य एकेडमी अवार्ड उनको मिला था, मैं बता देती हूँ कब मिला था, 1992 में उनको मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड, और ये किसके लिए मिला था, आर ट्रीज। देखो वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार, आर ट्रीज स्टिल ग्रो, इन देहरा, इस चैप्टर के लिए इनको ये मिला था, इस वर्क के लिए इनको ये मिला था अवार्ड, देहरा, देहरा मतलब देहरादून के लिए मिला था, क्योंकि खुद वहीं पर रहते थे, और उनको इनको पद्मश्री भी मिला। पद्मश्री, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, तो पद्मश्री इनको कब मिला था, पद्मश्री इनको मिला था 1999 में। ठीक है, और इनको एक और मिला, दैट इज पद्म भूषण, तो पद्म भूषण इनको कब मिला, पद्म भूषण इनको मिला था 2014 में, है ना, तो 2014 में पद्म भूषण, 1999 में को क्या मिला, पद्मश्री मिला, है ना, और उसके अलावा 1957 में इन्हें एक और अवार्ड मिला था, वो था आपका जॉन लेलेवन। ठीक है, तो 1957 में क्या मिला था, जॉन लिन राइस, ये अवार्ड भी इनको मिला था, कब, 1957 में। ठीक है, तो ये कुछ प्राइज थे जो इनको मिले थे। ठीक है, तो आपको अगर रस्किन बॉन्ड के बारे में जानना है, तो रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। अब याद कैसे रखेंगे, याद रखिए पद्मश्री और पद्मभूषण, तो सबसे पहले देखो अगर हम देखें तो पद्मश्री है ना, तो एस एच आर आई, तो श्री
1999। अब आपने देखा होगा जो श्री 420 है वो मूवी बहुत पहले आई थी, मतलब ये जो श्री शब्द है वो पहले लिया, तो पद्मश्री पहले मिलता है तो वो कब मिला था 1999 में, ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। आई आई से क्या बन जाता है वन, और वन से क्या बन जाएगा 1999, तो और उसके बाद पद्म भूषण। अब दोबारा से जो पद्म आया तो 2014 में इनको क्या मिला, पद्म भूषण मिला, ठीक है। उसके अलावा 1957 में थोड़ा सा अंग्रेज वाला अवार्ड इनको मिला था, जॉन लिलेवन राइज, ये अवार्ड मिला था। और साहित्य अकेडमी कब मिला था, 1992 में मिला था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो यही बनेंगे, इनसे ज़्यादा नहीं बनेंगे। बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो पूछ लिया जा सकता है कि रस्किन बॉन्ड जी का जन्म कब कहाँ हुआ था या कब हुआ था, तो वो आपसे पूछा जा सकता है, वो आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वॉटरफॉल वॉज मैजिकल बिकॉज, वाटरफॉल मैजिकल क्यों था बताइए जल्दी से, वाटरफॉल मैजिकल कौन क्यों था, यस जल्दी जल्दी बताओ भाई, वाटरफॉल मैजिकल क्यों था। यस सोनिया जी, वेरी गुड सोनिया जी, बैरागी जी, अर्शी जी, स्टडी टाइम, यस जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। शीतल जी बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, द वॉटरफॉल वॉज मैजिकल बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, इट गेव द डिलीशियस सेक ऑफ द गोल्डन वाटर या ऑफ इट्स स्पीड, क्यों था। यस इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि वो डिलीश सेक देता था, और ये सेक सिर्फ और सिर्फ किसको डिलीशियस लगता था, जो तारो और उसकी फैमिली को। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है सोनिया जी। बाकी सारे इस बच्चे करेक्ट आंसर है, यस नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्पेस शटल इज, अब ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है जल्दी से मुझे बता दीजिए एक बार कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई एक बार कि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है। कोई कोई बात नहीं, देखो तवीजा जी आंसर मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास में रहो, बस क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, ठीक है। नीड नॉट वरी, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप आंसर दो, आप बिल्कुल फोन को साइड में रखकर सिर्फ सुनो, और ये अपनी आंखों को इस वक्त बिल्कुल भी इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, आपको आराम की भी उतनी जरूरत है जितनी की पढ़ाई की। तो इट इज बेटर कि अपना अपना ध्यान रखो ठीक से, एंड वी जस्ट प्रे फॉर यू कि बिल्कुल सब चीजें ठीक होंगी, तो डू नॉट वरी एट ऑल। यस और हार्टेक के लिए आई नो कि इस वक्त कुछ मेडिसिन लेना क्योंकि अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी आप चाय ले सकते हैं थोड़ी सी, या फिर कुछ बाम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको स्किन की एलर्जी अगर ना हो तो, ठीक है। यस तो जल्दी से बताइए सारे बच्चे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्पेस शटल, स्पेस शटल में कौन गया था, कल्पना चावला, स्पेस शटल में, ब्लैक एरोप्लेन में नहीं, ब्लैक एरोप्लेन में वो अपना जो डकोटा एयर एरोप्लेन है उसमें बैठे थे, लेकिन यहाँ पर स्पेस शटल में कौन गई थी, कल्पना चावला गई थी। और कल्पना चावला से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, करनाल में हुआ था, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कल्पना चावला जी की अभी डेथ एनिवर्सरी निकली है, दैट वाज फरवरी 1, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है, तो याद रखिएगा कि आपसे कल्पना चावला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी डेथ एनिवर्सरी कब थी, अभी 1 फरवरी को ही थी, ठीक है, और इसीलिए उनका जन्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था। यस हरियाणा करनाल बिल्कुल सही आंसर है आपका, लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ और कल्पना चावला जी का निधन कब हुआ, तो ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। तो कब हुआ था उनका निधन, उनका निधन हुआ था 1 फरवरी 2003 में, और जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 में, ठीक है। तो अब ये कौन था, स्पेस शटल क्या होता है, एक स्पेस क्राफ्ट होता है, स्पेस स्टेशन होता है, रॉकेट होता है, तो बिल्कुल वो स्पेस क्राफ्ट होता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट। ओके सोनिया जी आप भी हरियाणा से हैं, तो आपको तो बहुत गर्व होता होगा कि कल्पना चावला जी आपकी मतलब वैसे तो हम सबको ही गर्व होता है, वो हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मी है, और आपको तो इसलिए क्योंकि वो हरियाणा से, उनका बिल्कुल बचपन से नाता है, तो कौन गर्व नहीं करता इस बात पे। यस बिल्कुल ठीक, तो आपको कल्पना चावला के बारे में ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इनके क्वेश्चन इसलिए रिलेटेड है क्योंकि अभी इनकी डेथ एनिवर्सरी भी निकली है,
Now going to US for a master's degree was not light. अब क्या किसको पसंद नहीं थी उनके US जाकर डिग्री लेना, कल्पना चावला की मदर को, कल्पनाज ट्यूटर को, कल्पनाज फादर को, बाय द पीपल, ये लोगों को. बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. जल्दी जल्दी बताएंगे सारे कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. आप जब तक आंसर देखिए मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं जस्ट अभी आती हूँ. सर 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 ग्लास ग्लास यस जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. यस उनके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था, फादर नहीं चाहते थे कि कल्पना जी यूएस जाए और अपनी डिग्री प्राप्त करें, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. हालांकि उन्होंने उस बात पे जरूर गर्व किया होगा जब वो स्पेस में गई थी, जब उनका निधन हुआ तो दुख तो हुआ होगा लेकिन गर्व भी हुआ होगा कि वो भारत का उन्होंने नाम रोशन किया. तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कल्पना डिड हर पीएचडी इन, उन्होंने अपनी पीएचडी किस में करी. तो सोचो अभी जब आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, उन्होंने इतने साल पहले पीएचडी भी वो लोग कर चुके थे. यस क्योंकि वो चाहते थे कि वो इंजीनियर बने. चलो खैर जो होता अच्छे के लिए होता है. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बड़ी तरह तरह की इंजीनियरिंग है. तो वो किस में इंजीनियरिंग करना चाहते, किस में पीएचडी करा है. ये जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. अच्छा यादव जी यस बिल्कुल उन्होंने एरोनॉटिकल एस्ट्रोनॉमिकल नॉटिकल ओके इसमें इंजीनियरिंग अपनी पीएचडी करी थी. तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. यस नेक्स्ट क्वेश्चन. शी वेंट टू यूएस टू ज्वाइन नासा टू गेट द मास्टर्स डिग्री, टू डू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, टू गेट द बैचलर्स डिग्री. तो करेक्ट आंसर क्या होगा. यस जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो यूएस क्यों गई थी. बिल्कुल ठीक कि उन्होंने अपने मास्टर डिग्री को पाना था इसलिए वो क्या गई थी वहां पर यूएस में गई थी. तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है इससे पहले किसका क्वेश्चन पूछा गया था, एक मिनट रुको. हाँ ठीक है. देखो यहाँ पर पीएचडी पूछा गया. अच्छा हाँ ठीक है. रुको करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. ये जो यहाँ पर पीएचडी की बात की गई है मैं उसे ग्रेजुएशन पढ़ रही थी. बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एरोस्पेस. ठीक है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. एक सेकेंड का टाइम बस मुझे दीजिएगा. नहीं करेक्ट आंसर है आपका वो ग्रेजुएशन का वो जो था उसको मैं ग्रेजुएशन देख रही थी. सही हो जाएगा. यस यस बिल्कुल ठीक है. सॉरी फॉर दैट. मुझे लगा वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा देख रही थी, मुझे वो लग रहा था ग्रेजुएशन की बात हो रही है. ठीक है पीएचडी की बात हो रही है. ठीक है पीएचडी इसमें ही की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द स्कूल वॉज डिफरेंट बिकॉज, अब स्कूल डिफरेंट क्यों था. स्कूल वॉज डिफरेंट बिकॉज. अच्छा कल्पना चावला जो आपका चैप्टर है उसका भी अगर हम राइटर देखें तो राइटर बेसिकली गिवन नहीं है. तो उसके लिए आपको कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब राइटर इन द सेंस कि वो खुद ही कल्पना चावला की क्योंकि बात के बारे में गिवन है, मतलब उनकी लाइफ के बारे में, तो वो एक बायोग्राफी हो सकती है. ठीक है तो इसलिए वो चैप्टर का एज इट इज नेम गिवन नहीं है कि किसने वो लिखा है. यस नाउ वेट अ मिनट.
यस, चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सब बच्चे बताएंगे। बिल्कुल, देखो स्कूल इसलिए डिफरेंट था क्योंकि चिल्ड्रन वहां पर क्या सीखते थे, चिल्ड्रन वर टॉट टू बी थॉटफुल, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा एक्चुअली आपको पता है कि आज की मेडिसिन की वजह से मुझे थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज वाई, बस आई एम सॉरी फॉर दैट। बॉर्न टू विन, नेक्स्ट, द एम ऑफ द स्कूल वॉज, एम क्या था स्कूल का, टू टीच द 3 rupees, टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, टू टेक दैम फॉर एक्सकर्शंस, या टू प्रमोट कंटिन्यूस एवेल्यूशन। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नथिंग सोनिया जी, एक्चुअली जस्ट देखिए मैंने आपको बताया, जस्ट बिकॉज फीवर एंड कफ की वजह से थोड़ा सा मुझे बार बार ना कफ हो रहा है, दैट इज़ वाई मैंने थोड़ा सा आपको अलग किया था कि ठीक है मैं पहले थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब तक आप क्वेश्चन का आंसर करो। तो चलो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा, कि द एम ऑफ द स्कूल वॉज, कि एम क्या था स्कूल का, बताओ अभी जल्दी से। यस, बिल्कुल जल्दी जल्दी कवर करेंगे, अरे मेरे रेस्ट की बात मत कीजिए, आप बस अपने आंसर्स को दीजिए, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, बिल्कुल ठीक, टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हेन डिड गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी, अब देखिए यहाँ पर रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी आप जानते हैं अच्छा खासा कितना बड़ा नाम है, और उनके द्वारा लिखी गई जो पोएम्स है, जो स्टोरीज हैं, जैसे वोकेशन एक पोएम है जो उन्होंने लिखी है, यहाँ पर उनका योगदान रहा है, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि गुरुदेव जी को नोबल प्राइज कब मिला था। अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से बताइए पहले कि गुरुदेव जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब मिला था नोबेल प्राइज, बताओ भाई। जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, नोबेल प्राइज उनको लिटरेचर में, और ये फर्स्ट व्यक्ति हैं इंडिया के जिनको नोबेल प्राइज मिला किसी भी लिटरेचर में, तो 1913 वाज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब रही बात इनके जन्म से जुड़ी भी और चीज़ें भी आप जान सकते हैं, तो जैसे इन्होंने 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1941 में ही डाइड, ठीक है उनकी डेथ हो गई, और 1861 में इनका जन्म हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके लाइफ से रिलेटेड हैं, जो कि आपको जाननी चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ एक या दो पूछे जा सकते हैं, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो कहीं पर भी किसी के जन्म स्थान के बारे में, मतलब बर्थ प्लेस और बर्थ डेट, अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल अगर स्टेटमेंट है उनके साथ तो वो पूछा जा सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमको बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करनी है, मतलब इग्नोर नहीं करनी है, उनको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मिस बीम वॉज अथरेटिव एंड इगोइस्टिक, काइंड एंड ब्यूटिफुल, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, अ सक्सेसफुल लेडी, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, जल्दी से बताना है सबको कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से, कैसी थी मिस्टर बीम, सॉरी मिसेस बीम, सॉरी मिस बीम, मिस बीम कैसी थी, बताओ भाई जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। सोनिया जी, शीतल जी, बैरागी जी, बॉन टू विन बड़े दिनों बाद आए आप मेरी क्लास में आज, उसके बाद अर्शी जी, तविजा जी, अच्छा तविजा जी तो रहने दीजिए, और सब जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बैरागी जी पूछ रहे हो कि बता रहे हो, वो कैसी थी मिस्टर मिस बीम जो थी वो बहुत ज़्यादा काइंड थी और अंडरस्टैंडिंग थी, है ना, वो चीज़ों को समझती थी, जानती थी, तभी वो क्या करती थी कि रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहती थी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अर्शी जी बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर वॉज अनहैप्पी एज ही सॉ ऑल अनहेल्दी children, he saw them laughing at all times, he few children were not healthy and active, he had lost his mother, तो जल्दी से बताइए कि author unhappy क्यों थे, जल्दी से बताइए कि इसका correct answer क्या हो जाएगा। अर्शी जी, सोनिया जी, बॉन्टोवेन, बैरागी जी और शीतल जी, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। भाई देखो स्कूल के बारे में है, वो सब जने स्कूल के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो हेल्दी और एक्टिव नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, तो अब बढ़ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन वर मेड टू शेयर द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, टू क्लीन द गार्डन, टू एक्सरसाइज रिगरसली, या टू लेक
टू टेक द एग्जाम, इट इज टू टेक द एग्जाम, नॉट लेक, इट इज टू टेक द एग्जाम. जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. यस, जल्दी जल्दी बताना है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. यस, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. चिल्ड्रन वर मेड. अभिषेक मिश्रा जी, बड़े दिनों बाद आज आप क्लास में दिखाई दिए हैं मेरी. सोनिया भारद्वाज. यस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. गुड आफ्टरनून अभिषेक जी. यस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू शेयर द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स. तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका. जुम्मन एंड अलगू वर. अच्छा, जुम्मन एंड अलगू, सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी स्टोरी के पात्र हैं, कौन सी स्टोरी के कैरेक्टर हैं, बताओ भाई. वॉइस वगैरह बता दीजिए क्या कि तैयारी. अच्छा, पीआरटी की तैयारी चल रही है आपकी. ओके ओके, पीआरटी की नहीं है तो आपकी टीजीटी की क्लास है. अच्छा, आजकल आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं. ओके ओके, खैर जुम्मन वाली स्टोरी आ जाती है तो पहले आपको बताना होगा कि कौन सी. कहानी है ये. अच्छा, इससे पहले वाली जो स्टोरी थी, इससे पहले वाली जो स्टोरी थी हमारी, वो कौन सी स्टोरी थी बताओ. ये सिंधु जी, बिल्कुल ठीक बात आपकी, पंच परमेश्वर से ली गई ये स्टोरी है. पहले मैं आपको बता दूं कि जो अलगू जुम्मन जो स्टोरी है आपके, उसमें वो है फेयर प्ले से. और ये जो फेयर प्ले है, ये बेसिकली आपकी स्टोरी जो थी वो पहले हिंदी में पब्लिश हुई थी, जो कि जिसमें पंच परमेश्वर और वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका पहले जो नाम था हिंदी में वो क्या था, पंच परमेश्वर. तो उसी में से ली गई ये बिल्कुल स्टोरी है. यस, बिल्कुल यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात. ठीक है, तो पंच परमेश्वर से ली गई ये स्टोरी है, लेकिन इंग्लिश में जो इसका नाम है वो क्या है, हु आई एम फेयर प्ले. ठीक है, उसका पार्ट वन है ये. ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है. मुंशी प्रेमचंद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अच्छा, फिलहाल मुंशी प्रेमचंद से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा, जो ये वाला चैप्टर था अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ये मुझे बताइए कि इसके राइटर कौन है. इसके बारे में भी एक बार बताइए कि इसके राइटर कौन है जो हमने पढ़ी थी. तो इसके राइटर कौन पढ़ेंगे आप, मैथ्यू फॉलर. मैथ्यू फॉलर, तो आपको याद रखना है कि इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, मैथ्यू फॉलर. और ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, यस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे ही. तो ये वाला जो हमारा है वो जुम्मन के बारे में है. अब इसमें कुछ मैंने आपको जब ये स्टोरी पढ़ाई है क्लास में, तो मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, साथ में ये भी बताया कि इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है, है ना. तो वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. यस, तो अब जल्दी से बताइए कि जुम्मन एंड अलगू वर कजन्स, गुड फ्रेंड्स, एनिमीज, ब्रदर्स. तो वो दोनों कौन थे, गुड फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे. तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. यस, नहीं, उसका आंसर जो होगा वो हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप. नहीं नहीं मैथ्यू नहीं, ये ठीक कह रहे हैं आप. ईवी लिकस ही हैं, एडवर्ड, एडवर्ड वेलर लिक्विस. क्लास में मैंने यही बताया आपको, एडवर्ड वेलर लिक्विस ही हैं. ठीक कह रहे हैं आप, एडवर्ड वेलर लिक्विस ही है. एक
नॉवल भी था उसके जो वो ऑथर थे वो हैं, यस वो मुझे याद आ रहा था, जो एक नॉवल भी है इस नेम का उसका जो है मैथ्यू है, और इनका जो ये स्टोरी का वो जो है ऑथर वो ये है, ये एक एक्चुअली इस ये एक नॉवल का भी नाम है। तो विलेजर्स हेल्ड देन देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग एंड इम्प्रिजेंट देम इन हाई स्टीम या फिर कैप्टिव्स, तो बताइए आंसर क्या होगा। यस ल्यूकस सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात, ल्यूकस इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली इसका एक नॉवल भी है तो मुझे वो नाम आया था, लेकिन जब मैंने आपको ये क्लास में चैप्टर पढ़ाया तो मैंने यही बताया एडवर्ड वेलर लिक्विस इनके बारे में, बल्कि मैंने वहाँ पर आपको फुल नेम और वैसे भी बताया था, तो बिल्कुल ठीक होगा। यस बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यस यस जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यस वो उनको बहुत ज़्यादा हाई स्टीम में लेते थे, क्योंकि वो मानते थे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और वो कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहेंगे, कभी एक दूसरे के मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम है, तो उनको अच्छे उसमें क्वालिटी में देखा जाता था। नेक्स्ट द एटीट्यूड ऑफ जुम्मन टूवर्ड्स द आंट, जो एटीट्यूड था जुम्मन का आंट की तरफ वो कैसा था। बिकेम अनडिज़ायरेबल वॉज गुड हर्ट हिम वॉज लविंग, बताओ भाई किस तरह का उनका वो था। यस हेलो रश्मि जी कैसे हैं आप, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कैसा बन गया था वो, बन गया था बिकेम अनडिजायरेबल, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो जो जुम्मन है उन्होंने आंट की जो प्रॉपर्टी थी, आंट ने इस शर्त पे दी थी कि वो उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले तो वो बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जो बिल्कुल जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं रहता, मतलब उनका जो एटीट्यूड है उनकी तरफ वो बड़ा बेकार हो जाता है। येस तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो अनडिज़ायरेबल था, मतलब जैसा चाहिए था वैसा नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उनको हर्ट करते थे वो। यस हर्ट हिमसेल्फ भी बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर देंगे वो एटीट्यूड की बात की जा रही है कि एटीट्यूड कैसा था, क्या करते थे वो नहीं पूछा गया, एटीट्यूड का पूछा गया, इसलिए वो अनडिज़ायरेबल एटीट्यूड था, मतलब जिसकी कोई भी इच्छा नहीं रखेगा। यस 34 का बताना है द वर्ड लुकड आफ्टर मीन्स, अब लुकड आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, वॉच्ड हर लुकड एट हर टुक केयर ऑफ हर टुक केयर या फिर डिड नॉट बॉदर, तो बताइए लुकड आफ्टर का मीनिंग क्या होता है। ओके यस बिल्कुल ठीक, टुक केयर ऑफ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द आंट डिसाइडेड टू सेपरेट टू अपील द पंचायत टू कुक हरसेल्फ टू लीव द विलेज, बताओ क्या करती हैं जो आंट ने क्या डिसाइड किया था। देखो यहाँ पर डिसाइड की बात हो रही है कि डिसाइड क्या किया था, तो डिसाइड क्या किया था, अलग होने का, विलेज छोड़ देने का, हम अपने आप खाना बनाने का, या अपील टू द पंचायत, बताओ भी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जुम्मन के बिहेवियर से, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, पंचायत को बुलाया था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या की थी भाई, अपील करी थी पंचायत को, मतलब उन्होंने अपील करी पंचायत को बुलाया, हालांकि वो अलग होना चाहती थी, लेकिन वो पहले किसको बुलाती हैं, पंचायत को, ताकि पंचायत फैसला करे कि इस व्यक्ति को उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना अलग हो जाती, तो इसलिए बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द नरेटर बिल्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर हिमसेल्फ, अब नरेटर ने, अब यहाँ पर कौन से नरेटर की बात हो रही है ये भी आप बताइए, कि यहाँ पर नरेटर किसको बोला जा रहा है, दूसरा कहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया था उन्होंने, बैनियन ट्री पे, मैंगो ट्री पे, गुआवा ट्री पे, कोकोनट ट्री पे, जल्दी बताइए कि कहाँ पर उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया था, ये सब बताएंगे एक बार कि प्लेटफॉर्म कहाँ पर बनाया था। यस बिल्कुल, किस पे बनाया था, बैनियन ट्री पे। अच्छा यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, ये जो हम बैनियन ट्री की बात कर रहे हैं ये बात किसके बारे में की जा रही है, जल्दी से मुझे बताइए सब जने, अर्शी जी, सोनिया जी, पैरागी जी, बाकी सारे स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे ये बताइए कि ये कौन से नैरेटर के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड अर्शी जी, अभी मैंने आपको थोड़ा सा देर पहले बताया भी था रस्किन बॉन्ड जी के बारे में, तो रस्किन बॉन्ड की यहाँ पर बात की जा रही है,
ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, हाउ मेनी पुलिट्ज़र प्राइज डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अब किसके बारे में बात की जा रही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपके क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़े जैसे रोड नॉट टेकन और एक और, तो कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात की जाती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्ज़र प्राइज कितने मिले थे, 7 मिले थे, 5 मिले थे, 4 मिले थे कि 2 मिले थे, बताओ भाई, हाउ मेनी पुलिट्ज़र प्राइज डिड ही गेट, बताओ भाई। पुलिट्ज़र रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितने पुलिट्ज़र प्राइज हैं जो मिले हैं, बताओ। इट इज पुलिट्ज़र प्राइज, यस, उनको 4 बार पुलिट्ज़र प्राइज से नवाजा गया। और कब कब नवाजा गया, एक तो 1924 में, 1931 में, 1937 में और एक 1943 में। अब देखो इसे लर्न करने की ट्रिक क्या है, 4 बार करा गया तो 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 में अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11, तो 11 का 1 आ गया और 1 और 4 फिर से क्या हो गया, 3 हो गया। तो आप ये याद रखिए, 4 1 7 3, तो 1924, 31 37 43, 4 ऐड करके चलेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। यस, 31 में 24 में 31 में 37 में 42 43 में, है ना, तो इसमें उनको प्राइजेस मिले थे। यस, और एक और बात, इनको 31 टाइम्स नोबल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, कितने टाइम्स, 31 टाइम्स। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रस्किन बॉन्ड, एक रुडयार्ड किपलिंग और एक आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल में जा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना जरूरी है कि किसने लिखा, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। What did he do there? Play Ludo, read books, watched birds, talked to birds. बताओ भाई वो क्या करते थे वहाँ पर बैठकर? किसकी बात हो रही है, रस्किन बॉन्ड की। Yes. तो वो क्या किया करते थे वहाँ पर बैठकर? बताओ भाई, जल्दी से बताइए कि वो वहाँ बैठकर क्या किया करते थे। Yes, वो वहां बैठकर बुक्स को रीड किया करते थे, तो रीड बुक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही पास हिज टाइम व्हेन नॉट रीडिंग अ बुक, और जब वो कभी रीड बुक नहीं किया करते थे, अगर वो कभी किताब ना पढ़ा करते थे तो वो क्या करते थे, क्या वो वहाँ पर लूडो खेलते थे, क्या वो वहाँ पर बर्ड से बातें करते थे, क्या वो बर्ड्स को देखा करते थे, या जो नीचे की दुनिया है उसको देखा करते थे, मतलब पेड़ से नीचे की दुनिया को वो देखा करते थे, तो बताइए उनका टाइम पास क्या था बिसाइड्स रीडिंग बुक, बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, बिल्कुल ठीक, वॉच द वर्ड बिलो, वो नीचे ऐसे ही टाइम पास किया करते थे, इधर उधर देखा करते थे, और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड ही सी वन आफ्टरनून, एक दोपहर उन्होंने क्या देखा। यस, जल्दी से बताइए एक दोपहर उन्होंने क्या देखा। यस, बैटल बिटवीन मंगूज एंड कोबरा, बैटल बिटवीन स्नेक एंड क्रो, बैटल बिटवीन स्नेक एंड मैना, या बैटल बिटवीन काउ एंड मैना, ये काउ होगा या क्रो होगा, ये इट इज नॉट काउ, इट इज क्रो। बताइए किसके बीच में लड़ाई है जो चल रही थी, तो लड़ाई किसके बीच में चल रही थी, ए बिल्कुल ठीक, कोबरा और मोंगूस, मतलब नेवला और सांप के बीच, जो कोबरा है उसके बीच में चल रही थी, सांप के बीच में। गिव द मीनिंग ऑफ प्रॉपिंग, प्रॉपिंग का मीनिंग क्या होगा, होपिंग, हॉपिंग, डूइंग, सिटिंग अगेंस्ट रनिंग, बताओ भाई।
ओके 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 अर्षी जी, फाइन, बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका। क्या हुआ सोनिया जी? आपने एक वर्ड सुना होगा प्रॉप, है ना? तो प्रॉपिंग, प्रॉप का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ किसी को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर प्रॉपिंग का मीनिंग क्या होना चाहिए? यस, तो किसी चीज़ के सिटिंग अगेंस्ट, मतलब कोई किसी को सपोर्ट लिए हुए है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ प्रॉपिंग, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइदाज मदर डिनाइड वाटर पर्ल्स ड्यू ड्रॉप सनशाइन, बताओ अभी करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सनशाइन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी वॉज एडवाइज टू सिट इन द सन फॉर हाफ एन आवर, एन आवर मोस्ट ऑफ द डे टाइम, द होल ऑफ द डे टाइम। अब होल ऑफ द डे टाइम में क्या आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा? कि उनको, क्योंकि वो सफ़र कर रही थी एक बीमारी से, तो उनको क्या कहा गया था कि आपको सन में कितनी देर बैठना है? जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सूरज में, सूरज की धूप, मतलब धूप में उनको कितनी देर बैठने के लिए बोला गया था? यस, सनशाइन में एनआर 1 घंटे के लिए बोला गया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए नहीं, हाफ एन आवर नहीं, एनआर आधे घंटे के लिए बोला गया था, सॉरी 1 घंटे के लिए बोला गया था। द स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब्ड चीप एंड इफेक्टिव मेडिसिन, हर्बल ट्रीटमेंट, कॉस्टली एंड इफेक्टिव मेडिसिन, हिली एनवायरमेंट, बताओ भाई जो स्पेशलिस्ट है उनको, उन्होंने उनको क्या प्रेस्क्राइब किया था, बताओ भाई? यस, उन्होंने करा था कॉस्टली एंड इफेक्टिव मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया था, सी विल बी द करेक्ट आंसर। साइदा टोल्ड द सन रेज टू विजिट हर, टू विजिट हर मदर, टू ट्रीट हर मदर, टू विजिट द मदर विद लॉट्स ऑफ वॉर्म्थ, तो बताओ कि साइदा ने उनको क्या बोला था? यस सोनिया जी, बैरागी जी, बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, सनरेज से क्या कहा था कि वो उनकी मदर के पास चल चलें? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? टू विजिट हर मदर, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सनरेज ही है जो उनको ठीक कर सकती थी, इसलिए वो प्रे करती है उनसे कि वो उनके मदर के पास चली जाएं। नाउ द सनरेज नेवर विश टू बी कॉल्ड फेयर वेदर प्रिंस, प्रिंस लायर्स, लायर्स, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल ठीक, लायर्स इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नैरेटर बॉट द डेस्क फ्रॉम अ जंक शॉप बिकॉज, अब ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो इसके कैरेक्टर्स, आपको कैरेक्टर्स याद रखना है, ठीक है, कैरेक्टर्स इसलिए क्योंकि वो वाला जो लेसन था इससे पहले वो था अ पैक्ट विद द सन, जिसमें आपका जो हो जाएगा, यस, जाकिर हुसैन की लिखी गई वो स्टोरी है। और अगर हम इसमें बात करें तो ये आ जाता है आपका जो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, है ना? यस, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
माइकल मॉर्फुर्गो जो थे वो इसके ऑथर हैं इस स्टोरी के, जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम इस स्टोरी में देखेंगे तो आपका जो यहाँ पर है इसके कैरेक्टर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ये वॉर के टाइम की स्टोरी है तो कौन सा वर्ल्ड वॉर हुआ था वहाँ पर वो भी आप देख लीजिएगा, जर्मन वगैरह वाले के साइड का ये जो क्वेश्चन हैं इनको एक बार मतलब ध्यान में रखिएगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी अगर कभी थीम पूछ ली जाए, प्लॉट पूछ लिया जाए, क्योंकि केवीएस का एग्जाम है, फर्स्ट टाइम इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको वहां पर एक बार देखना है। तो अपना होमवर्क नोट कर लीजिए कि आपको अभी जो बचे हुए टाइम में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। यस, दिस इज़ वेरी इमोशनल स्टोरी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशनल है। साथ में अब देखो यहाँ इस कुछ स्टोरी से रिलेटेड आपको एक बात बताऊँ, कभी कभी अगर कोई भी पर्सन अपने हिस्से का एक छोटा सा पार्ट, मतलब एक तो होती है ऑटोबायोग्राफी, मतलब वो अपनी लाइफ की जर्नी लिख रहा है, कभी कभी एक पर्सन जो उसके साथ एक इवेंट हुआ होता है उसको लिखता है, तो उसको बोला जाता है मेमोयर, ठीक है। किसको बोला जाता है? मेमोयर का, उसको क्या बोला जाता है? मेमोयर। तो यहाँ पर जो मापोगो हैं उन्होंने अपनी लाइफ का एक मेमोयर ही शेयर किया है जो उनकी लाइफ में कभी हुआ होगा उसके बारे में। तो ये जो जेनर है, जो अगर वो मेमोयर है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, वो क्या है ये आपको ध्यान रखनी है। टीजीटी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप डायरी देखोगे तो यहाँ पर डायरी भी लिखी गई है एक एनी फ्रैंक के द्वारा, फिर आप देखेंगे मापोगो द्वारा ये मेमोयर लिखा गया है, सुनामी जो है वो भी एक मेमोयर है, नेल्सन मंडेला वो एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं इनको जो बोला जाता है, तो इन शब्दों को, इन पोएटिक डिवाइसेस को नहीं भूलना है, इन लिटरेरी डिवाइसेस को नहीं भूलना है, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये एक मेमोयर है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेमोयर, ठीक है। यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नैरेटर बॉट द डेस्क फ्रॉम अ जंक शॉप बिकॉज सच अ डेस्क वॉज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स, द ऑथर वॉन्टेड एन एंशियंट रोल टॉप डेस्क, इट इज रोल टॉप डेस्क विच वॉज इन सेवरल पीसेस, द नैरेटर कुड नॉट अफोर्ड अ न्यू रोल टॉप, क्योंकि वो एक अफोर्ड नहीं कर सकते थे न्यू रोल टॉप को, इसलिए वो वहां से ही खरीद कर लाते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नहीं होगा, ये डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वो नई अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसलिए वो पुरानी खरीद के लाते हैं जंक शॉप से, ठीक है। यस, आई बिगैन वर्क ऑन इट क्रिसमस ईव, इन द अबव सेंटेंस इट स्टैंड्स फॉर, ये जो इट है वो क्या है, जंक शॉप, द गैरेज, द रोल टॉप डेस्क, द ड्रॉर्स, बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका, इट किसको रेफर कर रहा है, तो इट रेफर कर रहा है सी को, कि वो जो रोल टॉप डेस्क है उसको ये रेफर कर रहा है, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नैरेटर फाउंड अ शैलो स्पेस बिलो अ सीक्रेट ड्रॉर व्हेन ही पुल्ड आउट द फर्स्ट ड्रॉर, बिगैन टू मेंट द डेस्क, पुल्ड आउट द लास्ट ड्रॉर, या हैड फिनिश्ड वर्किंग, तो ये ऐसा कब हुआ था, जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, बिल्कुल ठीक, जब उन्होंने एक सीक्रेट ड्रॉर को वहां पर देखा था, लास्ट ड्रॉर में उन्होंने सीक्रेट ड्रॉर को देखा था, तो वो क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 25, 1915 वॉज द डेट ऑन विच द नैरेटर पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, जिम्स लेटर केम टू कॉनी, जिम रोट द लेटर, या जिम मैट हंस बोल, तो ये जनवरी 25, मतलब जनवरी 25, 25 जनवरी 1915 ये कौन सी डेट थी, आपको बताना है कि इस डेट को क्या हुआ था, बताओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बताना है कि इस डेट पर क्या हुआ था। जनवरी 25, 1915 वॉज द डेट ऑन विच बताओ भाई। यस, इस दिन नहीं,
देखो क्रिसमस वाले दिन की बात है, क्रिसमस कब होता है 25 दिसंबर को, है ना। और जेनी को उन्होंने वो अपनी जो वाइफ है उन्होंने अपनी वाइफ को वो लेटर भेजा है, ठीक है। और जब वो लेटर भेजा है तो उनको रिसीव कब हुआ, वो January 25, 1915 में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिम जिम्स लेटर केम टू कॉनी, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा उस पर जो लेटर पे जो डेट लिखी हुई थी वो इस तरह से पैक हुई हुई लिखी हुई, तो सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। यहाँ पर जिम ने कब लिखा था, वो जब क्रिसमस था तब लिखा है उन्होंने लेटर, जिस दिन क्रिसमस है उस दिन लिखा है। और पहुंचा कब है उस उनकी वाइफ को, अगले महीने पहुंचा था, ठीक है। तो 51 का ये क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सोनिया जी, कोई डाउट इसमें? यस बिल्कुल ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जिम अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, अब जिम के अकॉर्डिंग क्रिसमस मॉर्निंग कैसी हो सकती है, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, वार्म एंड कंफर्टेबल, ब्यूटीफुल विद सन शाइनिंग, रेनी, किस तरह की होनी चाहिए बताओ भाई। ये क्वेश्चन आपको याद होंगे, देखो मैंने आपको जो चैप्टर जब ये कराया है तो इस चैप्टर में सेम सारे क्वेश्चन, या ना ही तो पूरी की पूरी स्टोरी भी बताई है, साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। देखिए मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ कि आज की एनर्जी आपको डाउन लग रही है, लेकिन नीड नॉट वरी, जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो यू नीड नॉट वरी, है ना। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। यस बिल्कुल ठीक, वो कैसी होनी चाहिए, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी होनी चाहिए, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट, इन द अबव सेंटेंस फ्रिट्ज रिफर्स टू, तो ये फ्रिट्ज जो है वो कौन है, द जर्मन सोल्जर, द जर्मन कमांडर इन द स्टोरी, द ब्रिटिश सोल्जर, या द ब्रिटिश कमांडर इन द स्टोरी, जल्दी से बताइए। अब देखो जब वो दोनों बात कर रहे हैं तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यस जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन है, कि फ्रिट्ज कौन है। यस वो कौन है, एक जर्मन सोल्जर है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिसमस सेलिब्रेशंस वर इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश, द जर्मन्स, बोथ ऑफ द अबव, या चांस, बताओ भाई क्रिसमस सेलिब्रेशन को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, जल्दी से बताओ भाई। सोनिया जी, बैरागी जी, बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताएंगे कि क्रिसमस सेलिब्रेशन को स्टार्ट किसने किया था। जो जो स्टार्ट किया था वो किया था जर्मन्स ने, ठीक है। स्टार्ट किसने किया था, जर्मन, बी जर्मन्स जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था क्रिसमस सेलिब्रेशन को। ओके बैरागी जी, तो जो जर्मन्स थे उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें आपको वोल्फ वगैरह ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इन विच चैप्टर विल यू फाइंड द लाइन मिसेस जिम मैकपर्सन, अब मैंने ये भी एक क्वेश्चन बनाया है आपसे ना, एक स्टेंजा हो सकता है गिवन हो, स्टेंजा में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जो स्पेशल लाइन्स है किसी के डायलॉग हैं वो आपको याद रखने हैं, इसलिए आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन से चैप्टर में आप ये लाइन देख सकते हैं, मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस बर्डपोर्ट, ये कौन से चैप्टर में आप इस लाइन को देख सकते हैं। सुनील जी, बैरागी जी, ये सब जने बताएंगे। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, थ्री क्वेश्चंस, गिफ्ट ऑफ चैपल्स, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जल्दी से बताइए कि ये जो क्वेश्चन है आप कौन सी स्टोरी में देख सकते हैं, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस बिल्कुल ठीक, द बेस्ट प्रेजेंट, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली ये लाइन, ये जो है ये एक तरह से एड्रेस है जो उस लेटर पे लिखा हुआ था, और ये किसके घर का एड्रेस था, जो कॉनी जहाँ पर रहती थी ये उस घर का एड्रेस था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक डिड हंस वुल्फ टेल अबाउट टू मैकपर्सन. जो हंस है ना, वो कौन सी बुक के बारे में जिक्र कर रहे थे जिम मैकपर्सन से, मतलब जिम मैकपर्सन वहाँ के कमांडर जब आपस में बात करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन वाले दिन, ये जो हंस वुल्फ है और ये लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हंस वुल्फ कौन सी बुक के बारे में जिक्र करते हैं. फार फ्रॉम द सिटी, फार फ्रॉम द प्लेस ऑफ वॉर, फार फ्रॉम द बैटल फील्ड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तो कौन सी बुक के बारे में बात की जाती है. यस, जल्दी से बताइए. बैरागी जी, सोनिया जी, सुनील जी, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. बिल्कुल ठीक आंसर, फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड इज द करेक्ट आंसर. तो डी. और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई थी. तो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई ये बुक है. तो वो क्या था, ये उनकी बुक को बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि उनको इंग्लिश बोलनी आती है. ठीक है, यस, बिल्कुल, बाय थॉमस हार्डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर. सुनिए जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बैरागी जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. How does Nelson Mandela define meaning of courage? Triumph over fear, triumph over love, triumph over selfish, triumph over property. बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा. जल्दी से बताइए किसके करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. बहुत सिंपल. अब नेल्सन मंडेला, देखो यहाँ से इस स्टोरी से एक क्वेश्चन है जो बनेगा, वो कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी. तो जल्दी से बताइए कि नेल्सन मंडेला जो है किसको क्या बोलते थे. Yes, वो क्या बोलते थे, ट्राइम्फ ओवर फियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. अब यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. जो नेल्सन मंडेला की ये जो ऑटोबायोग्राफी थी, दैट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो उन्हीं से ली गई ये स्टोरी है. और वो जो स्टोरी है, अब ये लिखी गई किसके द्वारा है, नेल्सन मंडेला के द्वारा, मतलब ये खुद एक ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि उन्होंने ये स्टोरी को लिखा हुआ है. अब जो उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो ये चीज़ें भी हो सकता है कि आपसे पूछी जा सकें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, तो वो ट्राइम्फ ओवर फियर को ही लॉजिक मानते थे. द डेफिनेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी इज, अब जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन क्या होती है ऑटोबायोग्राफी की. अ सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी, अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन, अ लाइफ स्टोरी मेड इनटू फिल्म बाय पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अ लाइफ स्टोरी दैट टेल्स अ लाइफ ऑफ अनदर पर्सन. जल्दी से मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. सोनिया जी, बैरागी जी, सुनील जी, बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. बताओ भाई जल्दी से किसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? यस, तो ऑटोबायोग्राफी क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी होता है जब कोई पर्सन अपने बारे में स्वयं लिखता है, तो वो ऑटोबायोग्राफी होता है. तो 58 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ सेल्फ रिटन अकाउंट. तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी, जो अपने आप. ऑटो का मीनिंग क्या होता है, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, तो जो खुद से लिखी गई हो. नहीं तविजा जी, ए करेक्ट आंसर होगा, फिल्म नहीं होती ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी होती है जब कोई व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. तो ए करेक्ट आंसर होगा. अगर कोई दूसरा पर्सन उसके बारे में लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी के नाम से जानते हैं. ये बातें आपको पता होनी चाहिए. इनको जैनर बोला जाता है. तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला कौन सा जैनर है, तो वो कौन सा जैनर है, तो वो आपका ऑटोबायोग्राफी है. Yes, उसको बायोपिक बोला जा सकता है. ठीक है, यस. नाउ वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, जो सेरेमनी है वो कहाँ पर होती है. रॉकस्टोन एम्फीथिएटर, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, ग्लासस्टोन एम्फीथिएटर, नन ऑफ द अबव. जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. जो ये सब हो रही थी वो कहाँ पर हो रही थी, जो सेरेमनी है वो कहाँ पर चल रही है, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताइए. बैरागी जी, तविजा जी, सोनिया जी, सबको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा. और कोई इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में ये सब चल रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मैंस लव, मैंस नेचुरल वे, मैंस गुडनेस, नन ऑफ द अबव. बताओ भी जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. जल्दी जल्दी बताओ भाई. बैरागी जी, तविजा जी, सोनिया जी, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा.
यहाँ पर मैंस गुडनेस के बारे में बात की गई है कि जो इंसान की अच्छाई है वो छिप सकती है, मिट नहीं सकती. तो सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, ऑल ऑल नहीं होगा, मैंस की गुडनेस, गुडनेस के बारे में बात की गई है. जो उनकी स्पीच है उसमें सी के बारे में बात किया गया है. नाउ नेक्स्ट, विच डे, अब कौन से डे है जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है. तो 9th May, 10th May, 11th May, 12th May, मतलब कौन सा दिन है जब उन्होंने ओथ लिए, जिसके जिस ओकेजन के बारे में बात की जा रही है. बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा. यस ये तो मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है. तो जल्दी से बताइए कि कौन से दिन की यहाँ पर बात की जा रही है, जिस वक्त वो ये बात कर रहे हैं, जो ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिसको लिखा है, ये क्या है. अच्छा एक और बात, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोबायोग्राफी का ही हिस्सा होता है मेमोयर, है ना. यस इट वॉज 10th May, बिल्कुल ठीक, 10th May विल बी द करेक्ट आंसर. बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th May, तो बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा मेमोयर भी होता है, हालांकि इसको हमने ऑटोबायोग्राफी बोला है नेल्सन मंडेला की, लेकिन अगर कोई पूछता है कि एक अगर मान लो ऑटोबायोग्राफी ऑप्शन में आकर मेमोयर आता है, तो आप ऑटोबायोग्राफी को ना देखकर मेमोयर को भी आंसर दे सकते हैं अगर ऑटोबायोग्राफी गिवन नहीं है तो. ठीक है, बाकी क्योंकि ये उनकी जीवन का एक हिस्सा है जिन्होंने उसको डिस्क्राइब जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है. व्हाट इज़ अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स मिनरल्स, इट्स पीपल, इट्स टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव. तो कंट्री की जो सबसे बड़ी वेल्थ होती है वो क्या होती है, बताओ भाई करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा. यस बिल्कुल, इट्स पीपल इज द करेक्ट आंसर. जो कंट्री की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो उसके लोग हैं. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो ही उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. यस 62 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका. व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, ऑप्रेस्ड, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, पॉवर्टी या लैक ऑफ फ्रीडम. डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, ऑपरेशन की वजह से क्या होता है. ऑपरेशन ये वो नहीं जो डॉक्टर वाला ऑपरेशन होता है, मतलब किसी को अगर आप दबाव में लेकर आते हो तो उसका असर क्या होता है, क्या लोग भी ऑप्रेस्ड हो जाते हैं, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर पॉवर्टी, या फिर लैक ऑफ फ्रीडम, बताइए. बताओ भाई, देखो यहाँ पर जब नेल्सन मंडेला ने ऑपरेशन के बारे में बताया था कि ना ही सिर्फ वो व्यक्ति जो ऑपरेसर है बल्कि जो व्यक्ति ऑप्रेस्ड है, तो दोनों को ही क्या करना चाहिए, दोनों को ही वो आज़ाद कराना चाहते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके जो लोगों की एक लिमिट है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर का मतलब है यहाँ पर लिमिट से, कि जो उनकी लिमिट है उसको दर्शाता है. तो यहाँ पर लैक ऑफ फ्रीडम नहीं, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. हाँ आप ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ फ्रीडम इसलिए क्योंकि दोनों को ही आज़ाद कराना ज़रूरी है, है ना. तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या करता है, वो एक लिमिट को दायर कर देता है कि हाँ भाई इतनी ही लिमिट है उन लोगों की. तो यहाँ पर वो क्या करता है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है. यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी. अब देखो मैं लैक ऑफ फ्रीडम क्यों कह रही हूँ, यहाँ पर उन्होंने ये बात बोली थी कि जो ऑपरेसर हैं, या तो ऑपरेसर भी और ऑपरेस्ड भी, तो इन दोनों को ही आज़ाद कराना ज़रूरी है, मतलब दोनों ही कैद हैं, है ना. अब दोनों ही कैद है, तो इस वाली लाइन में उन्होंने ये बोला था कि जो ऑपरेशन से क्या होता है, मतलब अगर आप किसी को दबाव में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली उसकी लैक ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, लेकिन साथ में जो ऑपरेसर है वो भी तो फ्रीडम में नहीं है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. मतलब यहाँ पर हाइट्स की बात करी गई है लिमिट्स के लिए, ठीक है, किसके लिए बात की गई है, लिमिट्स के लिए. तो ये लिमिट्स की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी नहीं होगा. ओके तविजा जी, सोनिया जी, बैरागी जी, मुझे पता था कि सब जने यही आंसर मार्क करेंगे डी, लेकिन यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ. यहाँ पर क्वेश्चन समझो क्या है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, जो डेप्थ है ऑपरेशन की वो क्या क्रिएट करती है, वो सिर्फ लैक ऑफ फ्रीडम नहीं करती, लैक ऑफ फ्रीडम तो वो दोनों के लिए है, ऑपरेस्ड के लिए भी है, ऑपरेशन के लिए भी है, मतलब जो ऑपरेसर हैं उनके लिए भी है और जो ऑपरेस्ड हैं उनके लिए भी है. तो ऑपरेशन क्या करता है, दोनों को ही कैद में डाल देता है, इसलिए दोनों की ही लिमिट्स को बताता है. क्लियर है, मुझे पता था ये क्वेश्चन का आंसर आप यही देने वाले हैं और यही थोड़ा सा क्या है, अटपटा क्वेश्चन आपको लगेगा. हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, ऑपरेसर ऑपरेस्ड, अब ये बताइए कि कौन है जो मंडेला जी की नज़र में फ्री नहीं था, बताओ भाई. तविजा जी, सोनिया जी, बैरागी जी, सब करेक्ट आंसर देंगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर. ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा. यस इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 और 2, दोनों ही आज़ाद नहीं है, ना ही तो ऑपरेसर ना ही ऑपरेस्ड. सोनिया जी, तविजा जी, यस बोथ बोथ इज द करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग एंड
ट्विस्टिंग इन द एयर। अब ये कौन सी वाली कहानी आ गई आपकी, ये कहानी आ गई आपकी जो टू टेल्स हैं, है ना, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग है, ये हमने पढ़ी थी। अब इसमें देखो ये वाली जो स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, इसके ऑथर कौन है ये भी आप बताइएगा साथ में कि ये जो स्टोरी है ये कौन सी वाली है, ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, ये कौन सी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन और ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई आपकी फ्रेडरिक फोर्सथ के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेडरिक फोर्सथ इनके द्वारा ये लिखी गई, है ना। तो ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इट वॉज डार्क नाइट, इट वॉज स्टॉर्मी नाइट ड्यू टू लाइटिंग नन ऑफ द अबव, तो क्योंकि वो स्टॉर्मी नाइट थी, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा स्टॉर्मी बादल में वो एंटर हो गए थे, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस, फर्स्ट फ्लाइट में से ली गई है और ये आंसर होगा। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल को उन्होंने क्यों कॉल किया था, क्या उद्देश्य था उनका, टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग, टू नन ऑफ द अबव, बताओ भाई क्या जानना चाहते थे वो। यस, क्योंकि वो वहां पर डायरेक्शन ऑफ द रूट को जानना चाहते थे, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द सीगल एग्जिस्टेड, अब जो सीगल था वो क्यों एग्जॉस्ट हो गया था, क्यों थक गया था, ड्यू टू रनिंग फास्ट, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ड्यू टू क्राइंग, या नन ऑफ द अबव, बताओ भाई वो क्यों थक गया था, सीगल है वो क्यों थक गया था। अब ये कौन सी वाली स्टोरी से ली गई है, जल्दी से बताओ कि ये वाली स्टोरी कौन सी स्टोरी से ली गई है, ये लिखी ली गई है आपकी, नहीं तविजा जी, इससे पहले वाली जो स्टोरी थी वो ब्लैक एरोप्लेन से थी, फर्स्ट फ्लाइट से नहीं थी, फर्स्ट फ्लाइट से ये वाला लिया गया है, ये किससे लिया गया है, फर्स्ट फ्लाइट से, और इसके जो ऑथर है वो कौन है, दिस इज फर्स्ट फ्लाइट FLIGHT, है ना, और ये ली गई है आपकी, मतलब ये जिसने लिखी है वो कौन है, लैम ओ हार्टी, है ना, यस OH हार्टी, इनके द्वारा ये लिखी गई स्टोरी है और ये सीगुल वाली जो स्टोरी थी उसमें ली गई है। यस, लायम करके कुछ नाम था उनका, वो कौन था, लायम OH हार्टी, है ना, तो हार्टी है ये, नॉट हार्टी, इट इज हार्टी, ड्यू टू रनिंग फास्ट, क्योंकि वो उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सरसाइज करी थी, जब उसे उड़ना आ गया था तो बेचारा सब में एक्सरसाइज करता फिर रहा था, इसलिए वो क्या था उसको जो थक गया था, ये इसका रीज़न था, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ, अब सीगुल किसकी वजह से अफ्रेड था। यस, बिल्कुल, यस बरागी जी, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, नन ऑफ द अबव, तो वो क्यों, सीगुल क्यों डरा हुआ था, किससे डरा हुआ था, वो किससे डरा हुआ था, बताओ भाई किससे डरा हुआ था, बताओ जल्दी, सारे दो आंसर बनते हैं इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। यस, वो फ्लाइंग से डरा हुआ था, मतलब वो उड़ना नहीं जानता था, तो उसी से डरा हुआ था, और एक बार जब उड़ना आया तो बेचारा उड़ता रहा। अब हु गिव यंग सीगुल अ पीस ऑफ फिश, जो यंग सीगुल है उसको किसने फिश दी थी, ब्रदर ने, मदर ने, फादर ने, या किसी ने नहीं। यस, उनको फिश कौन दे रहा था, उनको फिश दे रहा था, दे रही थी उनकी मदर, मदर सीगुल उनको फिश दे रहे थे, हालांकि दे नहीं थी वो, उनको उड़ना सिखा रही थी, तो इसलिए उनको ललचा रही थी वो उससे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग, सी एनीथिंग, हियर एनीथिंग, स्पीक एनीथिंग, ऑल ऑफ देम, जो पायलट थे वो फंस गए थे स्टॉर्म में, तो क्या हो रहा था, बताओ अभी करेक्ट आंसर क्या होगा। तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ना वो देख पा रहे थे, ना वो सुन पा रहे थे, ना वो बोल पा रहे थे, तो ऑल ऑफ देम विल बी द करेक्ट आंसर, वो कुछ भी वैसे नहीं, एक मिनट, इसमें जो करेक्ट आंसर है बेसिकली सी होना चाहिए, हाँ, तो ये सारे ही करेक्ट हो जाएगा, हियर, स्पीक, कुछ सुन तो वो इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि कुछ था ही नहीं वहां पर बोलने के लिए, स्पीक इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं बोलने के लिए, तो हम इसमें हियर और स्पीक नहीं कहेंगे, यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो गूंगे नहीं हुए थे, वो तो बोल पा रहे थे लेकिन कोई सुनने के लिए वहां पर था नहीं, और सुनते वो किसी को कैसे क्योंकि कोई वहां था ही नहीं जो सुनेगा, तो वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो 70 का ए करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आइलैंड्स, तो 5 टी प्लांट्स, 10 टी प्लांट्स, 20 टी प्लांट्स, 30 टी प्लांट्स। ये भी अभी याद होगा आपको, थोड़े दिन पहले चैप्टर में ही मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया भी था, सेम क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर में कराया हुआ है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भी, हाँ सी भी, सी ही तो आंसर बताया मैंने आपको, और क्या बताया, ये सी ही बताया मैंने बच्चे, सी ही करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। बस स्टॉर्म की वजह से वो सिर्फ देख नहीं पा रहे थे, ए ही करेक्ट आंसर होगा आपका। यस 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 10 टी प्लांट्स, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्लांटेशन इज पॉपुलर देयर, कौन सी प्लांटेशन पॉपुलर थी, टी की, कॉफी की, वीट की, या कोई सी नहीं, असम की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली कौन सी प्लांटेशन वहां पर मशहूर है, टी प्लांटेशन, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये स्टोरी मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले बताई है और वहां पर मैंने इनके राइटर्स भी आपको बताए हैं, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाँ, वॉट कवर्स 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागु, कोडागु की, कोडागु मतलब किसको बोला गया, कुग्रु को, तो ये कौन सा क्वेश्चन रह गया, अच्छा वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड, राजवीर क्यों एक्साइटेड थे, बताओ भाई राजवीर एक्साइटेड क्यों थे, बताओ भाई राजवीर एक्साइटेड क्यों थे, अच्छा 71 से सीधा 73 आ गया भगवान, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यस 72 का बताइए पहले, 72 का आंसर क्या होगा, क्योंकि बिकॉज ही हैड स्पॉटेड कॉफी गार्डन, क्योंकि उन्होंने स्पॉट किया था टी गार्डन, क्योंकि उन्होंने टी गार्डन को स्पॉट किया था, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजवीर ने क्या देखा था, टी गार्डन देखा था। यस, इस स्टोरी में दोनों की बात की गई, अब इसमें दो स्टोरी है ना अलग अलग, एक कुर्ग वाली और एक वहाँ वाली है ना, तो दोनों की बात की गई है इस स्टोरी में, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पढ़ी है। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्योंकि इसका ऑथर अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही कराया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। कोडागु किसके लिए फेमस है, कुछ परसेंट एरिया उसका किससे ढका हुआ है, माउंटेन से, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट से, किससे घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, एवरग्रीन फॉरेस्ट से, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। What is referred to as a piece of heaven? Piece of heaven किसको बोला गया है? ये बोला गया है कुर्ग को, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ऐसा लगता है जैसे piece of heaven तोड़कर लाकर वहाँ पर रख दिया गया हो कर्नाटका में, तो कुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द फॉलोइंग मीन्स द स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल का मतलब क्या होगा, गुड मॉर्निंग, लीव्स, फ्रेग्रेंस, या नन ऑफ द अबव, बताओ भाई स्वीट स्मेल का मतलब क्या होगा इनमें से। यस बिल्कुल, यहाँ पर वो जो तीन स्टोरी वाला है वो होगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेग्रेंस, जो खुशबू उनको आती थी उस लोब्स की, है ना, उन लोब्स में से जो खुशबू आया करती थी उसका, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सोनिया जी, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, बस आप पढ़ लीजिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाई बेकर्स, कौन सा टास्क था जो बेकर करते थे, बेक द लोब्स, बेक द डो, बेक द मोल्ड, नन ऑफ द अबव, जल्दी से बताइए कि वो क्या क्या करते थे, बेक क्या किया करते थे वो। ये अभी थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा आप। जल्दी बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बैरागी जी, तविजा जी, बाकी स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, वो लोब्स को बेक किया करते थे, है ना, बेक किया करते थे लोब्स को, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्वियसली मोल्ड को तो करेंगे नहीं, आटे को तो करेंगे नहीं, है ना। नाउ व्हाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट, जो एल्डर्स थे वो अपने पुराने समय के बारे में बात क्यों किया करते थे, क्योंकि वो मिस किया करते थे उन पुराने दिनों को, तो दे मिस द गुड ओल्ड डेज, द रिमेंबर द देयर बैड डेज, द थिंक यंगर आर स्लो, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दे मिस देयर गुड डेज, ओल्ड एंड गुड डेज, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा वाली कहानी है ये जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। यस अर्शी जी, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर डिड राजजी
राजवीर एंड प्रांजोल स्टडी, वो कहाँ पढ़ते थे? असम में, कुर्ग में, गोवा में, दिल्ली में। बहुत ही सिंपल आंसर है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, वो यहीं पर पढ़ा करते थे, दिल्ली में। और जो प्रांजोल था वो कहाँ से बिलोंग करता था? असम से। तो वो उनको वहाँ लेकर जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, 79 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड? बताओ भाई, जून टू अगस्त, अक्टूबर टू दिसंबर, मई टू जुलाई, अगस्त टू नवंबर। बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अर्षी जी, बैरागी जी, तविजा जी, बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बताओ भाई, यस, वो कितना रहता था? 3 महीने, मतलब मई, जून, जुलाई। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, मई, जून, जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट? नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग। बताओ भाई। अच्छा, इसमें शी कौन है ये भी आप बता दीजिएगा एक बार, जल्दी से बताना है कि शी किसको रेफर करता है। What was the subject on which she had to write? Yes, देखो यहां पर हुआ क्या था, ये कौन से, पहले तो ये बताओ ये स्टोरी कौन सी स्टोरी से ली गई है, ये क्वेश्चन कौन सी स्टोरी का है, पहले तो ये बताइए, देखते ही ये कहां से है, बताओ जल्दी से, पहचानो कौन सी स्टोरी है ये। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक की डायरी है, एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखी हुई, जिसे उनके फादर ने क्या कराया था, पब्लिश करा दिया था। जब वो एम्स्टरडेम पहुंचे थे वहां पर उनको वो डायरी मिलती है, तो वहां पर उन्होंने क्या करा दिया था, उसको पब्लिश करा दिया था। तो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। तो उनको क्या मिला था, क्या लिखा था टॉपिक उन्होंने, तो वो उन्होंने लिखा था नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। इस टॉपिक को उनको मिला था इससे, क्योंकि बातें बहुत करती थी, तो उनको दे दी था एक ऐसे लिखने के लिए, जो चैटर बॉक्स वाला दे दिया गया था, तो वो क्या मिला था उनको, ऐसे मिला था लिखने के लिए। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, कौन सा एसे था जो उनको लिखने के लिए बोला गया था? माई डायरी, अ चैटर बॉक्स, अ लेटर बॉक्स, नन ऑफ द अबव। क्योंकि वो बोलती बहुत ज्यादा थी, है ना, बहुत ज़्यादा बोला करती थी, दैट इज़ वाई जो उनके टीचर हैं वो उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करते हैं कि भाई जाओ तुम्हें कैसे लिख कराओ और ऐसे का नाम क्या होता है, क्योंकि वो बोलती बहुत थी, तो वो क्या थी, चैटर बॉक्स थी। तो चैटर बॉक्स पे उनको लिखने के लिए ऐसे दिया था। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक बैरागी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एनी एक्सप्लेन हिज फादर, वो कैसे अपने फादर को एक्सप्लेन करती है? मोस्ट अडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर, मोस्ट डेलिकेट फादर, या नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए कि उन्होंने अपने फादर को किस तरह से एक्सप्लेन किया है डायरी के अंदर। अपने फादर, मदर और सिस्टर दोनों के बारे में उन्होंने बात की है, तो फादर को किस तरह से एक्सप्लेन किया है, बताओ भाई। यस, बिल्कुल ठीक, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट अडोरेबल फादर। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए उन्होंने बताया कि मोस्ट अडोरेबल फादर बताया उन्होंने अपने फादर को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, उनकी एनी की जो फ्रेंड है वो कौन है? हर पैन, हर कैट, हर डायरी, हर डॉग। बताओ भाई, एनी की जो फ्रेंड है वो कौन है? बताओ भाई। यस, उनकी फ्रेंड किसको बोला गया है? उनकी फ्रेंड बोला गया है उनकी डायरी को, हर डायरी इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ डज शी वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी? बाय राइटिंग हर नेम, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, बाय राइटिंग अबाउट हर हॉबी, नन ऑफ द अबव। कैसे वो अपनी डायरी को स्टार्ट करना चाहती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक बात याद रखिएगा, हमारे पास दो तरह के पार्ट होते हैं, एक फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन, है ना, एक होता है फिक्शन और एक बनता है नॉन फिक्शन। तो नॉन फिक्शन क्या होता है? जो कि रियल हो,
और ये जो रियल हो, और ये क्या होता है, फिक्शन, जो कि इमेजिनेशन हो, है ना, जो कि नॉन रियल हो, मतलब इमेजिनेशन हो। तो आपकी जितनी भी ये स्टोरी है, जैसे ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, तो ये क्या है, डायरी है। अब ये जो डायरी है वो क्या है, एक नॉन फिक्शन वर्क है, ठीक है। एक ऐसा वर्क है, एक नॉन फिक्शन वर्क है डायरी। तो डायरी, मेमोयर, और एक आपका ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये आपके क्या है, ये नॉन फिक्शन है, मतलब ये ट्रू है, रियल है। तो ये चीज़ अगर आपसे पूछी जाए कि भाई ये कौन सा काइंड का जेनर होगा, तो पर्सन जो अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल डिटेल्स जो डायरी में लिखता है, वो क्या हो जाती है, डायरी हो जाती है। अपनी स्टोरी लिखता है लाइफ की, तो वो क्या हो जाती है, ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। जब कोई दूसरा पर्सन उसे लिखता है तो वो बायोग्राफी हो जाती है, तो इसमें बायोग्राफी भी आ जाती है। और मेमोयर, जब एक छोटी सी अपनी लाइफ का हिस्सा, कोई स्पेशल ओकेजन, जैसे कि आपने उसमें देखा जो एसे उन्होंने लिखा था, लेटर उन्होंने लिखा था जिम ने, तो वो भी एक तरह से मेमोयर माना जाएगा। तो ये बेसिकली मेमोयर जो होते हैं, ये कुछ नॉन फिक्शन के पार्ट है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सा जेनर है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि वो सबसे पहले क्या ऐड करना चाहती थी, उसका इंट्रोडक्शन, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीजिंग्स क्लास इन हर डायरी। तो मिस्टर कीजिंग कौन है, जो उनके टीचर थे, है ना, यस, बिल्कुल, ये एक नॉन फिक्शन है। तो मिस्टर कीजिंग जो है, उन्होंने उनकी डायरी में क्या डेट लिखी है, कि मिस्टर कीजिंग ने, उन्होंने ये कब, ये किस्सा किस दिन का था, तो वो आपको बताना है। बताओ भाई कौन से दिन का किस्सा था ये, जल्दी से बताइए। यस, बिल्कुल ठीक, 20 जून 1942, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर्स बिलोंग्स टू। ऑटर्स कहाँ से बिलोंग करते थे, एल्क से, हेजॉग से, मल्टी मस्टेलाइन से, ये बाय हिज फ्रेंड। बताओ अभी जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, वो बिलोंग करते हैं मस्टर लाइन से, बिल्कुल ठीक, मस्टर लाइन्स इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सही करेक्ट आंसर होगा, बी नहीं होगा, 87 का सी होगा बैरागी जी, बी नहीं, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मैक्सवेल गो टू बसरा, ब्रोक द टॉय कार, थ्रू द मार्बल्स, टोन द लाइनिंग ऑफ बॉक्स, या नन ऑफ द अबव। बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोन द लाइनिंग ऑफ बॉक्स, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉट वर मिज फेवरेट टॉयज, मिज के जो फेवरेट टॉय थे वो कौन से थे, टॉय कार, मार्बल्स, सॉइल, या नन ऑफ द अबव। बताओ भाई जल्दी से बताइए, तवीजा जी, बैरागी जी, बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, आंसर हो जाएगा आपका मार्बल्स हो जाएगा, तो मार्बल्स विल बी द करेक्ट आंसर, बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऑटर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। ऑटर किस तरह से अपना व्यक्त व्यतीत करते थे, कहाँ सबसे ज़्यादा, तो न्यूयॉर्क ऑफ 1955, न्यू ईयर ऑफ, अच्छा ओके, न्यू ईयर ऑफ 1955, न्यू ईयर ऑफ 1956, न्यू ईयर ऑफ 1957, या न्यू ईयर ऑफ 1958। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। यस, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉट डिड द ऑटर लुक लाइक? ऑटर किस तरह का दिखता है? स्मॉल डॉग, स्मॉल ड्रैगन, स्मॉल कैट या फिर स्मॉल रैबिट? बताओ भी जल्दी से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं है, मैं यही कह रही हूँ कि ऑप्शन आपका गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो गलत गिवन है। खैर कोई नहीं, उसे छोड़िए, अब इसका आंसर दीजिए आप कि ऑटर लुक लाइक ये कैसा दिखते हैं। वो बिल्कुल एक स्मॉल ड्रैगन की तरह दिखता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपके एनसीईआरटी की बुक में ही गिवन है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन गलत है तो उसे रहने दीजिएगा। क्योंकि व्हाट हैड ट्रिकल्ड अबाउट द बॉक्स, कोई क्वेश्चन है जो बीच में से गायब हो गया है, ये वजह हो सकती है। खैर उस क्वेश्चन को छोड़िए, बाकी के आंसर देते हैं। हु हैड ट्रिकल्ड आउट द बॉक्स, जूस, ब्लड, वाटर, पेंट? यस, ब्लड इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। What did the woman in the aeroplane think that the otter was? A dog, an otter, a rat, या a seal? बताओ भी। बताओ भी। Yes, उनको लगता है जो एरोप्लेन में है उसको लगता है कि शायद इस बॉक्स में एक रैट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। Why was Kisa Gotami said? Kisa Gotami said क्यों थी? Her only son had died. Her all property was snatched. He was beat. She was beaten up. या none of the above? बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक आंसर, हर ओनली सन हैड डाइड, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरमोन एट बनारस से लिया हुआ ये क्वेश्चन है, सरमोन एट बनारस। उसके बाद वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमोन? बताओ, हरिद्वार, बनारस, चेन्नई, पाटलिपुत्र? बताओ भाई। यस, इसका आंसर हो जाएगा बनारस में, ठीक है, जिसके बारे में ये चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड एफ्लिक्टेड विद? लव, डिजीज, डेथ एंड डिके, नन ऑफ द अबव? ये जो पूरी दुनिया है, संसार है, उनके अकॉर्डिंग किससे एफ्लिक्टेड है? बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। ये बनी है डेथ एंड डिके से, क्योंकि जिसकी डेथ हो जाती है वो मिट्टी में ही मिल जाता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द राइप फ्रूट फियर? सम विल ईट देम, दे विल नॉट, दे विल रॉट, फॉलिंग डाउन, या नन ऑफ द अबव? जो राइप फ्रूट है उनको किस चीज का डर होता है? यस, गिरने से उनको डर लगता है कि वो गिर जाएंगे, ऑब्वियसली पकने के बाद वो गिर जाएंगे, इसलिए उनको डर होता है। नेक्स्ट, वेयर डिड बुद्धा सिट? बुद्धा कहां पर बैठा करते थे? पीपल ट्री, ये तो सभी को पता होगा, फिग ट्री, मैंगो ट्री, डियोडाट सिडार? बताओ भाई कहाँ पर बैठा करते थे? ये तो एक जीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। यस, तविजा जी, बैरागी जी, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फिग ट्री। फिग ट्री के नीचे वो बैठा करते थे। यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, फिग ट्री इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो फिग ट्री है, ए नहीं है, फिग ट्री इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज एन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, लॉस ऑफ लव्ड वन, बीटिंग, हेट्रेड या वर्बल यूज, बताओ भाई। बताओ भाई बुद्धा व्हाट इज द इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, तो वो हो जाता है हमारा लॉस ऑफ लव्ड वन, ए। नाउ द 100th क्वेश्चन, दोज हु डू नॉट ग्रीव आर एरोगेंट, प्राउड, हैप्पी, वाइज, बताओ भाई। जो नहीं रोते वो कौन होते हैं, क्या वो खुश होते हैं, क्या वो बुद्धिमान होते हैं, क्या वो एरोगेंट होते हैं, या क्या वो प्राउड होते हैं? अक्सर ये बोला गया है कि जो नहीं रोते हैं वो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर किसी का लॉस हुआ है तो उसका एक कारण है, उसकी एक वजह है, इसलिए वो क्या होते हैं, वो वाइज होते हैं। देखो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, यस 100th का हो जाएगा वाइज। अब देखो मुझे पता है कि आज की मेरी एनर्जी डाउन रही, लेकिन क्या आपको ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल लग रहे हैं तविजा जी और बैरागी जी, सच सच बताइएगा, कल को आपका एग्जाम भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 100 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन, 2 बज गए, 2 घंटे हो गए हैं, मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको और कराती हूँ, फिर मैं ये PDF, क्योंकि आपको आप क्या करेंगे कि अब इसी से रिलेटेड आपको पता लग गया, मैं कुछ क्वेश्चन अब वो कराऊंगी आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के और क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको अभी ऐसे कराने वाली हूँ जिसके तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, अभी ये वाले नहीं, मैं एक और तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको क्लास में करा भी चुकी हूँ, तो मैं आपको एक बार वो क्वेश्चन दिखा सकती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये रुकू वाला जो हमने चैप्टर है वो करा था, चैपल्स भी करा हुआ है, ये सारे चैप्टर जो मैंने आपको कराए हुए हैं ऑलरेडी, तो इन्हें आप उसमें से भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें, और ये जो सुनामी है ये चैप्टर भी मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं वहीं पर, एक बार आंसर्स आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है किस तरह से, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने कुछ अलग क्वेश्चन इसमें बनाए हैं जो मैं आपको करा देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ये चैप्टर्स आपको कराए हैं। सारी मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच भी कराई है, हाँ ये वाले क्वेश्चन देखिए, नाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड, ये वाले क्वेश्चंस है जो अब हम करेंगे यहाँ पर। यहाँ से बताइए क्वेश्चंस, यहीं से करना शुरू करेंगे, ये बताओ यहाँ से करते हैं आप क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन आपको बताने हैं। नहीं पहले एक बार ये बता दो, यस yes, इसी से पूछा जाएगा, प्रैक्टिस हो गई आपकी, बहुत ज़्यादा फायदा करा, क्या बात है, वेरी गुड। अब देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, लेसन मैं क्लास तो देखिए मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मैं दोबारा लूँगी एक पर्टिकुलर रेस्ट लेकर, लेकिन हाँ तविजा जी एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो हम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं और आपके करा देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कुछ न्यू क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट NCERT से भी लिए हैं, तो वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन एक बार मैं आपको ये और करा देती हूँ ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैंने सोचा था कि आपकी कम से कम 6 घंटे की मैं मैराथन लूँगी, लेकिन शायद अगर मैं इतना लूँगी तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मेरी भी एनर्जी डाउन रहे, तो आपका और कहीं ऐसा ना हो कि डिसकरेज आप हो जाएं, तो इट इज़ बेटर कि आप जल्दी से मुझे यहाँ पर ही बता दीजिए। वैसे मेरी एनर्जी कोई डाउन नहीं है, मैं तो अभी आपके लिए पूरा दिन खड़े हो सकती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं सारे क्वेश्चन करा दूँ तो ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मेरी एनर्जी डाउन होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार अब मेरी एनर्जी ना गिरे, ठीक है। तो चलिए अब हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हुए हैं जो आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाउस इज बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल, ऑन होम लोन्स, ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, वुड एंड आयरन, या नियर द लेक। तो हाउस कैसे बनाया जाता है,
ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड एंड आयरन का बनाया जाता है। तो ए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, येस, ऑफ ब्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रियल होम इज मेड ऑफ टाइल्ड फ्लोर्स, लविंग फैमिली, ग्लास वेयर, हैप्पीनेस। जो रियल होम है वो किससे बना होता है? वो बना होता है लविंग फैमिली से। जब लविंग फैमिली होती है, सारे खुश होते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आपका होम हो जाता है। ये अ हाउस अ होम पोयम से ली गई है। अब पोयम से आपको याद रखना है, एक बार सब पोयम की राइम स्कीम को पढ़ लीजिएगा, और साथ में जो पोएटिक डिवाइसेस हैं इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन है जो मैंने भर भर के आपको कराए हुए हैं क्लास में, पूरी पूरी पोएम्स मैंने आपको कराई हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ये ज़रूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में वर्ड्स के मीनिंग ज़रूर देख लेना, स्पेशल वर्ड्स। द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली वर्क टू मेक इट अ प्लेस पैलेस, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ वन अनदर, टू कीप पीस। बताइए, येस, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की खुशी के लिए। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीलिंग दैट इज सीन इन अ होम इज ऑफ जेलेसी, रिवेंज, सेक्रीफाइस, सिक्योरिटी। बताओ भाई, किस तरह की फीलिंग है जो आपको एक घर में रहकर आती है, होम में रहकर आती है? वो आती है सिक्योरिटी की। आप जब होम में है तो आप कैसा फील करते हैं? सिक्योर फील करते हैं। Who contribute to make a home? कौन contribute करता है? Friends and neighbors, labors, all members, God. बताओ भाई। Yes. तो कौन करता है? All members. जितने भी members हैं वो करते हैं। तो C correct answer हो जाएगा। अब एक question किससे बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ। Members share joy and sorrow, cheese and bread, secrets या food and food. तो joy and sorrow को वो share करते हैं। B यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है। They express love through, किससे वो express करते हैं love से? Word से, action से, dance से या giving से? बताओ भाई, वो अपने express, अपने love को किस तरह से express करते हैं? Yes, बताओ भाई, बैरागी जी, तविजा जी और बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, इससे पहले वाले का क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया, अब इसका आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। देखो, लव थ्रू यहाँ पर हो जाएगा गिविंग, क्योंकि कहते हैं ना प्यार का एक मतलब देना, तो देना इन द सेंस कि मतलब कोई भी एक अच्छा काम जो वो अपने लिए करते हैं, सेक्रीफाइस देते हैं, सब देते हैं, तो वो उससे अपने एक्सप्रेस को बयां करते, अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं। अर्थ, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, ट्रीज आर द लंग्स, आई एम द बेस्ट। तो ये तो आई एम द बेस्ट हो जाएगा, नहीं, होम इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वेस्ट तो इंडिया इज़ द बेस्ट होना चाहिए, ये फ्रेज वहाँ पर गिवन है पोएम में। A new kite looks pale in the bright light, bright in the blue sky, lovely with its colors, yeah, attractive but sober. तो वो कैसा देती है? यहाँ पर हो जाता है bright in the blue sky. तो B correct answer हो जाएगा। Now, इसमें मैंने एक question बनाया था। It soars high due to. अब सोर्स हाई करती है तो इसका मीनिंग क्या होगा? द पावर ऑफ द विंड, द एब्सेंस ऑफ द विंड, द ड्रीम ऑफ द विनर या ऑफ अ विनर या फेवरेबल ब्रीज। बताओ भाई, यस, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। द पावर ऑफ द विंड, द एब्सेंस ऑफ द विंड, द ड्रीम ऑफ द विनर या फेवरेबल ब्रीज, क्योंकि उसकी जो हवा है वो कैसी है? फेवरेबल है, जो उसको पावर ऑफ द विंड, तो जो हवा जो फेवरेबल है उसकी वजह से वो पतंग उड़ती चली जाती है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now, अब यहाँ पर आपको देखना है कि विंड जब फॉल होती है तो क्या होता है? द काइट डाइज, द काइट सीम्स टू रेस्ट, द काइट फ्लिप्स इटसेल्फ, द काइट स्लीप्स। तो यहाँ पर क्या होता है? सीम्स टू टेक रेस्ट, ऐसा लगता है जैसे काइट में भी रेस्ट कर रही है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ये किस तरह के क्वेश्चंस है ये आपको देखना है। सपोज कीजिए ये स्टेंजा आपको गिवन होगा,
then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. तो अगर मान लीजिए इस तरह का आपको stanza given होगा, इस तरह के क्वेश्चन से जो पूछे जाएंगे, सपोज कीजिए इस तरह का stanza आपको given है question, पूरे क्वेश्चन में, और अब इस stanza से क्वेश्चन बनाए गए हैं. अब देखिए जैसे आपके पास ये पैसेज गिवन है, तो इस stanza से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. क्वेश्चन है, इन द विफ स्टेंजा विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन. तो फर्स्ट लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है जो यूज किया गया है. अब स्टेंजा क्या है आपका, देन सोर्स लाइक अ शिप. तो इसमें क्या वो है जो यूज किया गया है. यहाँ पर देखिए दो तरह के क्वेश्चन जो बनेंगे आपके, वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह के बनेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, सोर्स लाइक अ शिप है ना, तो ये फर्स्ट पैसेज है, फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है. तो इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है ये आपको बताना है. एपिग्राम है, हाइपरबली है, अलिटरेशन है, सिमली है, बताओ भाई जल्दी से. फर्स्ट लाइन में कौन सी, इट दे सोर्स लाइक अ शिप, ये कौन सा होगा. यस बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, ये एक सिमली हो जाएगी. सिमली क्या होती है, जब हम दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं एज और लाइक का यूज करके, तो वो क्या हो जाता है, सिमली हो जाता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर. डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. What is the meaning of the soar? अब soar का meaning क्या है, run fast, fly high, move ahead, sail upstream. बताओ जल्दी से soar का meaning क्या होगा. Para stanza आपके पास है. अब stanza में आपको बताना है कि जो word है soar, इसका मतलब क्या होगा. अब देखो इसी राइम इससे ही स्टेंजा से आपसे जिसमें राइम स्कीम होती है, जैसे ये तो फ्री वर्ड्स में लिखी है, लेकिन अगर कोई राइम स्कीम है तो आपसे वो राइम स्कीम भी पूछी जा सकती है. यस तो ये किस क्या है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होगा फ्लाई हाई. जो स्टेंजा में पोएम में अकॉर्डिंग मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, बी दैट इज टू फ्लाई हाई. ठीक है, फ्लाई हाई इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. बैरागी जी बिल्कुल करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. The master pulls the string back as. अब ये जो kite में से ही questions हैं जो पूछे गए हैं, ये आप बता पाएंगे कि क्या होगा. Others are pulling him back. He feels uncomfortable. एक और question है जो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, फिर उसके बाद इसको करेंगे फिर से. देखो ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं, एंटोनियम ऑफ द वर्ड ब्राइट. तो ब्राइट का आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है. जल्दी से बताइए कि ब्राइट का एंटोनियम क्या होगा, डार्क, शाइन, मूवमेंट, क्लियर. बताओ भाई ब्राइट का एंटोनियम क्या होगा, जल्दी से बताना है कि ब्राइट का एंटोनियम क्या होना चाहिए. यस व्हाट विल बी द एंटोनियम ऑफ ब्राइट. ओके अब आपको ब्राइट का एंटोनियम बताना है. यस ब्राइट का एंटोनियम क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है. ब्राइट का मीनिंग तो शाइनिंग हो जाता है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्क. ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन. यस क्या पूछा गया आपसे, एंटोनियम पूछा गया है. इसी तरह से सिनोनियम पूछा गया स्लैक का. अब स्लैक का सिनोनियम क्या होगा, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ स्लैक, जल्दी से बताइए. बैरागी जी, तवीजा जी, शीतल जी, बताइए स्लैक का सिनोनियम क्या होगा. यस ब्राइट का बिल्कुल आपने आंसर सही बताया. स्लैक का बताइए कि स्लैक का सिनोनियम क्या होगा. शीतल जी, तवीजा जी और बैरागी जी, सब बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा. वेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूज. जो बहुत ज्यादा लूज होता है उसको हम बोलते हैं स्लैक. तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है स्लैक का मीनिंग क्या हो जाता है, लूज. जो बहुत ज्यादा लूज हो उसको हम स्लैक बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, वर्ड विच राइम्स विद क्रेस्ट इन द गिवन लाइन्स. तो क्रेस्ट के साथ कौन सा वर्ड बनता है राइम में, चेयर, बिलो, हॉलो, रेस्ट. बताओ भाई इस तरह का क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं. अब याद रखिएगा किसी भी पैराग्राफ में से भी, मतलब कोई स्टोरी का अगर पैराग्राफ है तो वो भी आपको दिया जा सकता है. जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि स्टेट में से आपको जो पैसेज गिवन था वो गिवन था आपका ग्रास हॉपर एंड द एंट वाली जो पोयम थी उसका स्टेंजा गिवन था, और उसका चैप्टर का जो गिवन था क्रिकेट और एंट वाला, उसका वो चैप्टर का वो गिवन था ग्रास हॉपर और वाला है ना, तो वो भी गिवन था. तो ये आपको पता होने चाहिए. बिल्कुल ठीक, रेस्ट इज द करेक्ट आंसर. डी रेस्ट इससे बिल्कुल राइम कर रहा है, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड अप इट गोज हु इज रेफर्ड टू इन द पोएम. तो एंड अप इट गोज ये किसके लिए यूज किया गया है, एंड अप इट गोज ये किसके लिए यूज किया गया है, बताइए जल्दी से. जल्दी से बताइए ये किसके लिए यूज करा गया है. ये काइट के लिए यूज करा गया है, ए फॉर काइट, मतलब ए पर जो काइट ऑप्शन है उसके लिए ये यूज किया गया. बिल्कुल ठीक, स्टडी टाइम करेक्ट आंसर.
यस बैराकी जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ब्रीज इज एसोसिएटेड विद वाटर, विंड, माउंटेन, स्नो. बताओ अभी वाटर से, विंड से, माउंटेन से, स्नो से, किससे रिलेटेड है ब्रीज, किससे रिलेटेड है. ये मैंने कुछ आपको अलग तरह के क्वेश्चंस बताए जो यहाँ से बनाए जा सकते हैं, इससे आपको मिल सकते हैं. तो इसका आपको थोड़ा सा मैंने आपको कहा कि देखिए जिस भी स्टोरी को आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मेरी अगर यकीन मानिए तो अगर आपको स्टोरी पूरी पता है तो उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पता होगा. तो इट विल बी बेटर कि आप एक बार स्टोरी की, जितनी भी स्टोरीज मैंने पढ़ाई हैं आपने उनको अच्छे से पढ़ाए, बाकी सारी स्टोरीज अगर कोई रिमेनिंग भी है तो उसकी आप एक बार जाकर समरी जरूर पढ़ लें, और पोयम को तो पूरा पूरा पढ़ लें क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड यू विल बी नोइंग दैट, यू शुड हैव नोन दैट. तो विंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. बाकी ये जितना मैंने करा सकती थी मैंने कराया है. काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको आफ्टर ऑल खुद भी करनी है, जो आपको एग्जाम में हेल्प आउट करेंगी. द सिबलिंग्स क्वारल्ड. अब सिबलिंग्स, अब ये कौन सी वाली जो वो है पोयम, जो क्वारल आपकी पोयम है वहाँ से लिए गए हैं. तो सिबलिंग्स क्यों क्वारल करते हैं जल्दी से बताइए. यस बिल्कुल ब्रीज जी, वो बैरागी जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका. अब जल्दी से इसमें बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा. यस बिल्कुल ठीक, पैटी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओवर अ पैटी पॉइंट, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. बहुत ही छोटी सी बात पर वो लड़ने लग जाते हैं. जो छोटे छोटे सिबलिंग्स मतलब जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं. फेल आउट, अब फेल आउट का मीनिंग क्या होगा, फेल डाउन, क्वारल्ड, गॉट आउट या पैच्ड अप. जल्दी से बताइए कि फेल आउट का मीनिंग क्या होता है. फेल आउट, यस, नहीं, फीलिंग लो कॉन्फिडेंस. क्यों भाई शीतल जी, ऐसा क्यों. इसका मीनिंग होता है क्वारल्ड. बी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. यस बी बिल्कुल करेक्ट आंसर. शीतल जी क्या कहना चाहती हैं आप समझने में, फीलिंग लो कॉन्फिडेंट क्यों. द एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स लेड टू डिजीजेस, हेट्रेड, एक्सप्लोजन, अ क्वारल. हॉट वर्ड्स क्या कराता है, डिजीजेस, हेट्रेड, एक्सप्लोजन या क्वारल. बताओ भाई. रॉबिन गोयल जी, थैंक यू वेरी मच रॉबिन जी. आई होप सबको पसंद आएगा. ना पसंद आए तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे से और ज़्यादा बढ़िया हो जाए. अरे भैया क्यों टेंशन हो रही है, टेंशन बिल्कुल ना लो एग्जाम की. मेरे हिसाब से तो अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया है ना तो अब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछी जा रही हूँ और आप आंसर दिए जा रहे हैं. बिल्कुल कल ही एग्जाम है तभी तो कह रही हूँ टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को दूर भगाओ. मैंने आपसे कहा था जब मैं यहाँ हूँ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. सारे क्वेश्चन देखिए, मैं अगर आपको चाहे जितने क्वेश्चन करा लूँ, आफ्टर ऑल आपको पढ़ना क्या है कि जो हमने स्टोरीज पढ़ी हैं उनको बस एक बार रिवाइज कर लो. अभी बहुत टाइम है, डू नॉट वरी एट ऑल. बाकी सबका भी अभी भी यही हाल है क्या, मैराथन के बाद भी यही हाल है क्या. बाकी सब भी बताइए जरा एक बार, मैराथन के बाद भी आपका यही हाल है क्या. यस ये क्या होता है, नफरत में. अगर आप किसी को हॉट वर्ड्स बोलोगे तो वो आपकी नफरत का एक कारण बन जाएगा. तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. हॉट वर्ड मतलब गलत शब्द आप बोलोगे तो. यस बी कॉन्फिडेंट. देखा तवीजा जी में जब हिम्मत आ गई तो. यस बिल्कुल, खुद पे यकीन है तो सब अच्छा होगा. बिल्कुल ठीक बात है तवीजा जी. यस अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको आज की मैराथन से कोई फायदा मिला. नहीं, अवार्ड ज़्यादा नहीं करने हैं, अवार्ड सिर्फ कुछ ही करने हैं. जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया है, नोबेल प्राइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता दिया, रस्किन बॉन्ड के बारे में बता दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बता दिया. यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टार्ट वॉज स्लाइट बट द एंड वॉज इट सेल्फ. अच्छा पहले बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मैं बताती हूँ. यस यस द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द आफ्टरनून टर्नड ब्लैक मीन्स एंड आफ्टरनून हैविंग ब्लैक, आफ्टरनून वॉज अ मिजरेबल टाइम, क्लाउड्स, आफ्टरनून वॉज ब्लैक, द क्लाउड्स कवर्ड द स्काई. बताओ भाई आफ्टरनून में क्या हुआ था. यस बिल्कुल ठीक, मिजरेबल टाइम उस वक्त आ गया था. तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. द क्वारल एंडेड बिकॉज, क्वारल एंडेड क्यों हुआ. वन ऑफ द टू वॉज वाइज, वन डिड नॉट रियलाइज द फॉली, वन डिड नॉट फील सॉरी, वन ऑफ दैम एक्सेप्टेड द मिस्टेक.
बताओ भाई क्वारल एंड क्यों हुआ था? क्या बात है, थैंक यू वेरी मच अर्षित जी। देखो अगर कोई भी एक दूसरे दो में से एक समझदार है तो वो जो क्वारल है वो खुद ही एंड हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला तो चुप हो जाओ वो बेटर है। तो एक जना जो है वाइज है, तो उसने आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज वन ऑफ देम वॉज वाइज। इसलिए नहीं, यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों में से एक समझदार है इसलिए उसने अपनी गलती मानी, मतलब चीजों को सुधारा, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन थिंग लेड टू अनदर हार्म मीन्स वन थिंग स्टार्टेड हार्मिंग, वन थिंग कॉस्ट अनदर हार्मफुल एक्टिविटी, इट बिगैन द चेन ऑफ इवल एक्टिविटीज, इट लेड टू ग्रेटर ब्लंडर्स। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। डी भी तो होगा। देखो यहाँ पर फिर से वही दो चीज़ आती हैं, अगर एक व्यक्ति सही है, बुद्धिमान है, तो वो सही काम ही करेगा। तो उसने सही काम क्या किया, उसने अपनी गलती को मान लिया, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक जना उनमें से वाइस है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो माना जाएगा वो किसको माना जाएगा, उसको माना जाएगा जो कि उसका प्रायर वर्ड ज़्यादा देता है। ठीक है, यस भाई ने गलती मानी तो वो क्या है, समझदार है, तभी तो ऐसा हुआ। जब यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से गिवन ही नहीं है कि बोथ ऑफ देम एक ही आंसर होना चाहिए, तो एक आंसर में फिर हम उसको देंगे जो कि प्रायोरिटी होगा। ओके यस ठीक है तविजा जी, इसलिए यहाँ पर हमने उस आंसर को करेक्ट माना है। यस बिल्कुल, क्योंकि वन थिंग कॉज्ड अनदर हार्मफुल एक्टिविटी। ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर एवरीवेयर इन अमेरिका, लॉस्ट फॉर एवर शॉर्ट लिव्ड। बताओ भाई। अच्छा एक बात बताइए, जो ये जो क्वारल है इसके ऑथर कौन है, जो पोयम है क्वारल उसके ऑथर कौन है बताइए, जो अभी हमने पोयम पढ़ी क्वारल उसके ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ क्वारल। ठीक है इसका आंसर बता देते हैं, लेकिन इससे पहले वो बताइए कि जो पोयम है उसके कौन है। ये जो ब्यूटी फॉर एवर नहीं, इससे पहले जो थी क्वारल, देखो इससे पहले जो पोयम थी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन क्वारल, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ब्यूटी फॉर एवर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यस दैट वाज ई एफ, दैट इज एलेनोर फार्जियन। ठीक है एलेनोर फार्जियन, ई एफ, तो एलेनोर फार्जियन बिल्कुल ठीक। यस तो जब ये क्वेश्चन था आपका, तो ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत फेमस कोट भी बनी थी बाद में। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड ब्यूटी थ्रू देयर गुड डीड्स, देयर अनप्लीजेंट बिहेवियर, द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, देयर मसल्स स्ट्रेंथ। ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड ब्यूटी थ्रू, क्या बात है, वेरी गुड शरद जी। बताओ अभी करेक्ट आंसर क्या होगा। यस ब्यूटी थ्रू क्या हुआ था, बिल्कुल ठीक था विजा जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दे आर गुड डीड्स, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और तरह के क्वेश्चन है जो मुझे आपको दिखाने थे, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। शेली सेड, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, तो जो भी जिस जैसे ऑथर है कुछ भी, तो उनके बारे में कि उन्होंने क्या कहा था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट।
भी मैंने एक तरह के क्वेश्चन और बनाए थे, ये तो आपकी पोएम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ये आपकी जो जाइंट वाला चैप्टर है ना, उसमें से क्वेश्चन है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ये मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन एक बार पूरा। ये देखिए, ये क्वेश्चन अब आपको दिख पा रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यस, वो ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि और किस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, इसे हम पहले कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉड इन ब्लैक ऑन आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ मैनी हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो अब ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि फ्रॉम विच पोएम इज दिस स्टेंजा टेकन। तो ये जो स्टेंजा है, ये कौन सी पोएम से लिया गया है, जल्दी से बताइए। द रोड नॉट टेकन, द काइट, द बैनिंग ट्री, द शेड, किससे लिया गया ये? यस, बिल्कुल ठीक है, किससे लिया गया है? द रोड नॉट टेकन से, किसके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताया था कि उन्हें पुलित्जर प्राइज 4 बार मिला, और उसके अलावा उनको 31 टाइम्स नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, है ना? यस बिल्कुल बिल्कुल, आपका एग्जाम क्लियर होगा तो बिल्कुल मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करूँगी। बिल्कुल मैं अभी भी करती हूँ, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आप बहुत सगेशियस स्टूडेंट्स हैं, तवेजा जी तो बहुत बहादुर भी हैं साथ में, है ना? तो बिल्कुल, तो मुझे तो प्राउड पहले से ही है। तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो, जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो एग्ज़ाम तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आपको बताना है कि इसकी राइम स्कीम क्या होगी, इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। तो आपके पास पूरी पोएम यहाँ पर, मतलब जो ये स्टेंजा है, सिर्फ इस स्टेंजा की पूछी गई आपसे कि राइम स्कीम क्या होगी। तो देखो, ले को हम क्या बोलेंगे, ए, बैक को बी, फिर डे ले एक सा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वे भी ए हो जाएगा, और बैक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो राइम स्कीम क्या बन जाएगी इसकी, ए बी ए ए बी, तो ये क्या हो जाएगी इसकी, राइम स्कीम हो जाएगी। राइम स्कीम में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी ए ए बी, मतलब ये, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? यस, तो ये भी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो आपको एक पर्टिकुलर स्टेंजा देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब सपोज कीजिए वो यहाँ पर आपसे किसी लाइन का मतलब पूछ लें, या किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लें, या ये पूछ लें कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है जो यूज़ किया गया है, है ना? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और ये चीज़ देखिए, मैं अभी से इतना ज़्यादा दोबारा दोबारा क्या कर रहा हूँ, आप जाकर एक बार देख सकते हैं कि आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जो क्लास में से ना रेंडमली जैसे स्क्रॉल कर करके आगे कर करके आप उनको देख लीजिए, जो मैंने पोएम्स ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, तो उसमें आप देख पाएंगे कि मैंने सारे पोएटिक डिवाइसेस या लाइन का अलग अलग एक एक मतलब बताया है। तो उसको एक बार ज़रूर देख लो, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है। नहीं अर्शी जी, होपफुली नहीं, बिल्कुल सही होगा, सब सही होगा। अर्शी जी, इसकी देखो राइम स्कीम क्या होगी, ले को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ब्लैक को हम क्या लिखेंगे, बी, तो डे क्या हो जाएगा, ले डे एक सा हो गया तो ए लिख दिया जाएगा, वे फिर ए लिख दिया जाएगा, बैक तो बी लिख दिया जाएगा। तो राइम स्कीम क्या बनती है, ए बी ए ए बी, ठीक है? ये राइम स्कीम बनेगी। राइम स्कीम का आपको ध्यान से लगाना होगा। नहीं शरद जी, आप सबको देखकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो नीड नॉट वरी, आई एम फाइन, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यस, व्हाट इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथवे, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन, बिकॉज इट इज द ओनली वन रोड, बिकॉज इट इज वन साइडेड रोड, या नन। तो बताइए कि चूजिंग अ पाथवे के लिए वो क्यों इतने ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मीनवाइल आई हैव सम वाटर, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि वहां पर कोई भी गोइंग बैक ऑप्शन नहीं है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर।
ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखो आपका एग्जाम है, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप लोगों का एग्जाम है, और ये आप लोगों का नहीं, ये मेरा एग्जाम है एक तरह से। तो मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर हो, चाहे वो कैसे भी हो। मैंने ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने मेहनत की, मेहनत आप लोगों ने की है, क्योंकि आपने सारी क्लासेस को देखा है और किसी ने तो एक एक दिन में बैठकर न जाने कितने कितने मैराथन देखी हैं। तो आई जस्ट वांट कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ये मेरी नहीं आप लोगों की मेहनत है, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। नाउ विच थिंग डिसाइड्स अ पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, द पाथ वन चूजेस टू वॉक, द पाथ वन लीव्स बिहाइंड, द रिग्रेट्स या द सक्सेस, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यस बिल्कुल ठीक, कि एक पाथ जो वो चूज करता है चलने के लिए, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पोएम स्पीक अबाउट, अबाउट द प्लाइट ऑफ रोड्स, अबाउट पीपल, अबाउट टू रोड्स, अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो थीम बेस्ड होते हैं, तो थीम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पोएटिक डिवाइस में आप सारा याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच तवेजा जी, डोंट दिस इज एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपसे ऐसे ही कह दे रही हूँ, इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि आप लोग सच में प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच पैरागी जी, एक्चुअली आप लोग देखिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तविजा जी की ऐसी सिचुएशन में भी वो अपना 100% दे रही हैं जितना वो कर सकती हैं। उसके बाद बैरागी जी वो लगातार सिर्फ सारी क्लासेस देखने में, क्वेश्चन के आंसर्स देखने में वो लगे रहते हैं, और मुझे पता है कि आप भी अपनी तरफ से अलग से बहुत कुछ कर रहे होंगे। देखिए एक टाइम का भी मैं कहूँगी कि अभाव था जिस वक्त मैंने क्लास स्टार्ट करी, अगर मैंने क्लास जब आप फर्स्ट क्लास में जब आए थे, अगर मैंने तब से ही TGT की क्लास को लिया होता तो आज शायद इतना भी हमारे पास ना रहता जो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि तब हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर रटा हुआ होता, क्योंकि हम एक चैप्टर का अलग अलग आंसर करते हैं। अब सब चैप्टर एक साथ मिंगल अप करने में थोड़ा सा बस यही रहता है कि आप लोग ठीक से उसको नहीं कर पाते। तो यहाँ हो जाएगा अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ग्रैंडफादर वाज ऑफ द हंटिंग पार्टी, अ मेंबर, द ओनली सक्सेसफुल मेंबर, प्राउड द लीडर। अब ये एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, टिमोथी वो, ये मैंने आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट मैराथन कराई थी उसमें मैंने आपको ये कराया था चैप्टर पूरा, टिमोथी जो टाइगर वो ले आए थे छोटा सा, है ना, और उसका जो दादी ने क्या नाम रख दिया था, टिमोथी रख दिया था नाम। तो ये देखो जैसे ये डॉग्स स्पिरिट हॉन्टेड हिम, तो इस तरह का इसका मीनिंग क्या होगा, द वर्ड मीन्स, तो ये जो ये पूरी लाइन का मतलब क्या है, ट्रबल्ड फॉलोड एडवाइज्ड किल्ड, है ना। तो ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आपको हर एक कैरेक्टर को याद रखना है कि कौन से चैप्टर से ये कैरेक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैरेक्टर से आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नहीं इसका आंसर हो जाएगा बैरागी जी ट्रबल्ड, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अगर दैट इज ट्रबल्ड तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हाई रोड नियर द विलेज वॉज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ, बताओ भाई।
यस बिल्कुल, यहाँ पर जो विजिट ऑफ डायमो था उसके लिए, उसकी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा कौन से चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है ये? द अर्ज फॉर फ्रीडम ड्राइव्स वन टू पार्ट विद एवरीथिंग वन आउट ऑफ द सेंसेस हैज गॉट डू टू डू इम्पॉसिबल, या बोथ एंड बी, बताओ भाई। यस ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक तवीज़ा जी। बताओ भाई, यहाँ पर बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और तरह का क्वेश्चन है जो आपको दिखाना है, चांदनी वाला क्वेश्चन जो है वो भी मैंने मैराथन में आपको कराए हैं ये क्वेश्चन, एक बार उसमें से आप देख लीजिएगा। तो ये वाले टोटो वाला भी मैंने उसमें कराया हुआ है आपको, फर्स्ट वाली जो मैराथन है उसमें मैंने आपको ये कराए हुए हैं क्वेश्चन। सहारनपुर, एक मिनट अब आ जाते हैं वापस अपने पहले वाले क्वेश्चंस पे। वन फील्स हैप्पी टू सी द सन, टिमोथी वाले क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, टिमोथी वाले क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। वैसे टिमोथी वाले क्वेश्चन मैंने आपको जो फर्स्ट मैराथन है उसमें करा रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टिमोथी वाले क्वेश्चन मैं आपको फिर से करा देती हूँ। चलो ठीक है, टिमोथी वाले पे ही चल जाते हैं। टिमोथी वाले आपके स्टार्ट हैं क्वेश्चन। यस, ग्रैंडफादर वाज ऑफ द हंटिंग पार्टी, अ मेंबर, द ओनली सक्सेसफुल मेंबर, प्राउड द लीडर, बताओ भाई। नहीं माइंड स्टॉप मत करो भैया, पढ़ लो, कल ही है पेपर, ज़्यादा माइंड स्टॉप करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। यस बिल्कुल ठीक, अ सक्सेसफुल मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ये वैसे ये वाली स्टोरी भी मैंने आपको हाँ मुझे याद है कि जब मैंने आपकी फर्स्ट मैराथन ली है उसमें इसके सारे क्वेश्चंस कराए हैं. अ चेंज केम ओवर हिम व्हेन टिमोथी वाज अ मंथ ओल्ड अबाउट 6 months ओल्ड चेज्ड आउट ऑफ द जंगल टेकन टू द जू. बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा. जब वो कितने मंथ का हुआ, 6 months ओल्ड हुआ, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसमें थोड़ी फियर्सनेस जो ऑब्वियसली होती है वो आ गई, जो एक टाइगर में होनी चाहिए. नेक्स्ट की बात करते हैं. टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रैवल्ड अ बस द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट अ ट्रेन या एन एग्जीक्यूटिव कंपार्टमेंट. बताओ भाई किस में उन्होंने ट्रैवल किया. बिल्कुल ठीक तविजा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि उन्होंने किस में ट्रैवल किया था. यस बिल्कुल बैरागी जी करेक्ट आंसर है आपका. तो किस में ट्रैवल किया था, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टिमोथी वॉज मोस्ट कंफर्टेबल इन द ड्रॉइंग रूम, ऑन द लॉन्ग सोफा, इन द कारपेट, नन ऑफ द अबव. बताओ भाई. यस बिल्कुल फर्स्ट क्लास में. बिल्कुल ठीक फर्स्ट क्लास आंसर आपका. जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कहाँ पर वो कंफर्टेबल रहता था. बताओ भाई तविजा जी बैरागी जी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. यस बिल्कुल ठीक ऑन द लॉन्ग सोफा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. टिमोथी वॉज ट्रांसफर्ड टू द जू बिकॉज ऑफ इज ग्रोइंग वाइल्डर एंड ही हेट ऑल द कैट्स डेडलियर ऑफ इज ग्रोइंग लेस फ्रेंडली एट होम ऑफ इज ईवल डिजाइंस. टिमोथी वॉज ट्रांसफर्ड टू जी बिकॉज, क्यों उसको जू में भेज दिया गया था टिमोथी को. यस बिकॉज ऑफ इज ग्रोइंग लेस फ्रेंडली एट होम, क्योंकि वो लेस फ्रेंडली होने लगा था घर में, तो इसलिए उसको कहाँ भेज दिया गया था, जू भेज दिया गया था. Grandfather wanted Timothy in another class enclosure for the tiger to be comfortable as the tiger was sick to keep the leopard away. None of the above. बताओ भाई वो क्यों चाहते थे कि उसको एक अलग केज में रखा जाए, ऐसा क्यों चाहते थे. यस बिल्कुल ठीक. अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि क्यों वो उसको अलग रखना चाहते थे, क्योंकि उसको एक लेपर्ड वहाँ पर परेशान कर रहा है, तो वो चाहते थे कि लेपर्ड से उसको दूर रखा जाए, है ना. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देर आर सोसाइटीज दैट केयर फॉर एनिमल्स वन सच इज. अब कुछ सोसाइटीज हैं जो एनिमल्स का ध्यान रखती हैं, उनमें से एक सोसाइटी का नाम क्या है. बताओ भी. यस उस सोसाइटी का नाम है SPCAC. अच्छा एक एक बात और यहाँ पर मुझे बतानी थी. जैसे कि हमारे पास एक स्टोरी है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, तो वहाँ पर एनिमल्स की बातें दिखाई गई हैं कि एनिमल्स बात करते हैं. तो जो एनिमल्स बात करते हैं तो उस स्टोरी को जहाँ पर एनिमल्स के एक्शन या उनकी बातें दिखाई जाती हैं तो उसको बोला जाता है फैबल. तो फैबल से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब रही बात आपकी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका. इसमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से पोएटिक डिवाइसेस के बनते हैं, जैसे कि आपका एपिग्राम हो गया, एंचेंबमेंट हो गया, एंड देर आर मेनी मोर. यस बिल्कुल ठीक, वेरी गुड तविजा जी. तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो वो भी आपको पता होंगे कि मतलब पता होने चाहिए. मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट. और इसके बारे में आपको पता रखना है. ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपसे पूछूंगी, आप बताएंगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. देखो अगर हम बात करें मिजबल द ऑटर, तो उसके जो राइटर हैं वो कौन है. मिजबल द ऑटर कौन है जो राइटर हैं उनके, तो उनके राइटर कौन हो जाएंगे, गेवन मैक्सवेल. तो ये कुछ राइटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, स्पेशली हर एक स्टोरी के. देखिए वैसे तो मैंने मोस्टली जितनी भी स्टोरीज करा रखी हैं, आप अगर उसको खोलकर ही देखेंगे तो स्टार्टिंग में आप देख पाएंगे कि वहाँ पर मैंने फर्स्ट पेज पर ही उसके राइटर्स को सबसे पहले रखा है. तो आप एक बार प्लीज़ वहाँ से भी रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट आपका सारा पार्ट ये कवर हो जाएगा. यस ओके
यस बिल्कुल मैक्सवेल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट इज मैक्सवेल। ओके यस। अच्छा टी फ्रॉम असम के कौन है? टी फ्रॉम असम जो हमने अभी करी हुई थी तो उसके हैं अरूप कुमार दत्ता। और अगर हम बात करें कूर्ग के कौन है तो वो हैं लोकेश जी, लोकेश एब्रोल जी। ठीक है तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला चैप्टर और कर लेते हैं। ब्यूटी के पोयम के कर लीजिएगा, उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ से करते हैं। यस तो बताओ भाई, इंग्लिश इज यस yes, बिल्कुल अ वंडरफुल गेम ऑफ मैचिंग थॉट्स। पीपल आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग। बताओ भाई तविजा जी, बैरागी जी, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, यहाँ पर हो जाएगा, नहीं यहाँ पर आप जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू ट्रांसलेट देयर थॉट्स, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो थॉट्स शुड डाई ड्यू टू आर्ग्यूमेंट्स फॉर वॉट ऑफ प्रॉपर वर्ड्स। ये जो द वंडरफुल वर्ड्स है उसमें से लिखी गई है क्वेश्चन है, फॉर वॉट फॉर वॉन्ट ऑफ गुड वर्ड्स या ड्यू टू क्लैशेस, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर वॉन्ट ऑफ प्रॉपर वर्ड्स बी। यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वर्ड्स मीन वोकैबुलरी, द फूड, द ड्रेस ऑफ थॉट्स एंड वर्ब्स, बताओ भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्रेस ऑफ थॉट्स, तो ड्रेस ऑफ थॉट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर मेनी ऑफ लवलीस्ट लवलीएस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, हैव शॉर्ट लाइफ, हैव बीन स्नैच्ड अवे, हैव नॉट बीन सीन, बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? बैरागी जी, तविजा जी, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड आफ्टरनून मंजूर अहमद जी, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? जे आर एफ, यस तविजा जी, यस हैव नेवर येट बीन
सेड, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्यूटिफुल थॉट इज अ मार्वलस सरप्राइज डाई सून एवरलास्टिंग ब्लेसिंग. बताओ अभी करेक्ट आंसर क्या होगा. जब तक मेरी चाय भी आ गई मैं चाय पी लेती हूँ, आप आंसर दीजिए. बिल्कुल ठीक, इट इज अ ब्लेसिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. एक मिनट, नहीं, ब्लेसिंग नहीं है, ठीक है, मार्वलस सरप्राइज है, ब्लेसिंग नहीं, ए करेक्ट आंसर होगा आपका, मार्वलस सरप्राइज करेक्ट आंसर है. आप आंसर जो दिख देते हो मैं सोच देती हूँ कि ये करेक्ट होगा और वही मैं बता देती हूँ, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, मार्वलस सरप्राइज. नहीं बैरागी जी, बिल्कुल आंसर करेक्ट है आपका, मार्वलस सरप्राइज करेक्ट आंसर होगा, मार्वलस सरप्राइज करेक्ट आंसर है. मैंने देखा तविजा जी ने ये लिखा आंसर, उसको बता दिया, आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा मार्वलस सरप्राइज. चाइल्ड विशेज टू टेक ब्रेकफास्ट एट नून, बी अ वॉचमैन, वॉश हिज ड्रेस, या गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. बताओ भाई, ये कौन सी, अच्छा ये बताइए कौन सी पोयम का ये वर्ड्स हैं जो आपसे लिए गए हैं, ये वाली जो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है. इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताई भी थी, ये किसकी है जो वोकेशन लिखी हुई, बिल्कुल ठीक, वोकेशन, और किसके द्वारा लिखी गई है, वोकेशन किसके द्वारा लिखी गई, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा. यस बिल्कुल ठीक, ये बी अ वॉचमैन, क्योंकि वो एक वॉचमैन बनना चाहता था, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू सोनिया जी, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट. गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बेस्ट ऑफ लक. एंड बिल्कुल एग्जाम देखिए आप लोगों का सही होगा, सब एग्जाम अच्छा होगा, डू नॉट वरी एट ऑल. एंड आई जस्ट विश कि आपका एग्जाम अच्छा है, एंड जैसे बोलते ना कि बियर द, सॉरी हिट द लैग, है ना, तो ये एक आई थिंक idiom यूज करा जाता है, तो बिल्कुल आपका एग्जाम क्या होगा, करेक्ट होगा. ठीक है, डू नॉट परी एट ऑल. वेल मैं भी क्या करती हूँ कि इस क्लास को अब यहाँ पर जल्दी ही ओवर करती हूँ, ताकि आप लोगों के पास भी थोड़ा सा टाइम रह जाएगा सारी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए. ठीक है, तो इस क्लास को फिर आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नो वन चेक्स हिम ही विल नॉट गेट बेग्ड इन द सन, नॉट स्पॉइल हिज क्लोथ्स, वॉक द स्ट्रीट एट ऑल नाइट, नॉट इंडल्ज इन गॉसिप. एक और बात प्लीज, अपना जो एग्जाम है वो बताइएगा जरूर कि कैसा हुआ, कमेंट करके बता दीजिएगा जो क्लास है उस पर ही. एंड ओके ओके, यू आर अबाउट टू लीव फॉर एग्जाम, ओके ठीक है, तो जो भी आपका जैसा एग्जाम होता है उसके बारे में प्लीज बताइएगा जरूर. एंड और अगर जब आपका रिजल्ट आएगा तो हम फिर से मिलेंगे, बाकी एग्जाम देकर एक बार आकर बताइएगा जरूर कि एग्जाम आपका कैसा रहा. ठीक है, यस, बस अब आपका एक होमवर्क है कि आपको ऑथर्स एंड वो सब एक बार जाकर पढ़ने होंगे. ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, मैं भी आपकी क्लास को यहीं पर रोकती हूँ कि आप क्या करेंगे कि अब जितने भी बचा हुआ टाइम है उसमें आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एंड बाकी हम लोग देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि होपफुली कि आपको ये जो मैराथन है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी. आई विश, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच,
बिल्कुल बिल्कुल भगवान क्या सभी जने आपकी मदद करेंगे, डोंट वरी, बाय बाय, टेक केयर नाउ एंड ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी जर्नी जो अपने अपने अलग अलग सिटी में जा रहे हैं। एंड तविजा जी, स्पेशल विशेस टू यू कि सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, नीड नॉट वरी। एंड अच्छा, मेरी वजह से तो प्रेप हुई नहीं नहीं वेल चलिए वेल नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत अच्छे से आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्पेशली तविजा जी, कि आपको तो वैसे भी गुड न्यूज़ भी देनी है साथ में, तो और गुड न्यूज़ एक नहीं डबल डबल आपसे लेंगे क्योंकि आप अपना एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।